हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। दर्शन, मेरे दर्शन मिले। दर्शन 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 इज नॉट देयर क्या? दर्शन आया नहीं क्या? अच्छा, आरव आरव इज देयर। आरव गाइस, एक मैंने वो इमेज भेजा है, हु कैन स्क्रीन शेयर, वो जो विस्कोसिटी वाला। एक अभी नोबडी कैन स्क्रीन शेयर स्टूडेंट्स। सर आई कैन। So you can, raise G. Yes, G, please, वाला जो है, एक viscosity वाला, just अभी भेजा। हाँ। जी था, ये होमवर्क कमिंग कहाँ तक हो गया? बुकलेट और एचसीवी में क्या स्टेटस है? सर एचसीवी हो गया, बुकलेट थोड़ा बाकी है। यस गाइस, हाँ, ये वाला प्लीज लिखना है, ये वाला नोट लिखो, ये आपके बोर्ड्स में है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, ये पॉइंट वन। हाँ, लिक्विड्स डिक्रीज स्लाइड है ना ये वाला। हाँ, ये फर्स्ट, ये लिखना है। और सेकंड पॉइंट, सेकंड यहाँ से लिखना है। सिर्फ लिखना है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, ये फर्स्ट पॉइंट। विस्कोसिटी, उसका स्टिकीनेस जो है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका स्टिकीनेस कम होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, गैसेस में जो है वो दर्शन। ओके 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 दर्शन। तो गाइस, हाँ, ये अलग लिखना है। तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स, तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी स्टिकीनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड increases with decrease in temperature. Our second point ye likhna hai, the velocity of the value of viscosity of gases. Gases ka viscosity increases with increase in temperature. Ye formula to hai nahi, matlab ye iska dependence, lekin sirf ye hai ke jaise textbook mein likha hua hai to isliye note karo. जय 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 जय। यहाँ बस का कहाँ तक हुआ? बुकलेट एचसीवी। और सर, आई स्टार्टेड एचसीवी यस्टरडे, बट लाइक द थ्री सम्स आई डिड, टू डिडंट मैच। आई थॉट आई विल वंस रीड द नोट्स अगेन एंड डू अगेन। अरे एचसीवी में Like I did the first 11 sums from then, I didn't do so, I started yesterday, but like the first three sums I did, two didn't match. I thought I'll once read the notes again and do all later. Oh, kaun sa after 12, 13, wo sab nahi aa raha? Haan sir, 12, 13, 14. Wo jo usme wo sab tha na, kya bolte hai, kitna depression hoga, wo sab bola questions? So they were sums on bulk modulus. Bulk modulus ka? Oh. Haan sir, thoda ajeeb ajeeb tha. थोड़ा लगा टाइम।
लिखना हाँ ये लिखो मत है नहीं उसे उसमें आपके उसमें कोर्स में नहीं है लाइक बट इफ यू वांट टू राइट इट एडिशनल ये मैंने कहीं पढ़ रहा था तो मिला मुझे तो मैंने कर दिया ओके सर हाँ बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस बोर्ड्स में दे आस्क बोर्ड्स का या सीटी में ना इसमें छोटा सा वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है सर हाँ सर ये अपने जो एसटीपीओएम 3 भेजा था ना उसमें भी दो तीन क्वेश्चन थोड़े थे सर डेफिनेटली आज देखो थ्योरी अपन एटलीस्ट करते हैं फिर ये वाला फिर जो है ये करते हैं यस जी हां प्लीज क्लोज दिस वन नेक्स्ट टू क्लासेस मतलब से डाउट्स लोगे ना नेक्स्ट टू क्लासेस यस पूरा प्रैक्टिस करेंगे पूरे सम्स प्रैक्टिस करेंगे इसमें सर तो ये जो नेक्स्ट टू क्लासेस जो आप लेंगे उसमें सर कॉन्सेप्चुअल भी लेंगे या फिर सिर्फ सम्स के लेंगे हां पूरे ना कॉन्सेप्ट्स सम्स पूरे रिवाइज करेंगे पूरा ठीक है सर ओके थैंक यू तो ये भी खत्म हो जाएगा ना चैप्टर पूरा यस 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 हां मतलब आज ही थ्योरी तो आज ही हो जाएगा नहीं मतलब पूरा सब सम्स के साथ यस यस हां क्योंकि इसी वीक का टारगेट रखते हैं यार फिर वो पूरा कर लेना अच्छा है ना अपने पास टाइम है बस संडे को टीडब्ल्यूटी और संडे को टीडब्ल्यूटी भी है यस 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 करना है ठीक है भाई तो फिर वी कैन नॉट लीव लेट अस कंप्लीट दिस वन ओके गाइस तो जो है आई विल रिवाइज लास्ट क्लास में क्या किया था तो गाइस लास्ट क्लास में जो है वी स्टार्टेड विद द विस्कोसिटी इट अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स क्या था भाई पहला ये था कि पहला कंसेप्ट ये था उसमें कि जो है से यू हैव अ सरफेस पे लिक्विड पड़ा हुआ है इसका थिकनेस मान लो कुछ टी या एच व्हाटएवर है ना इस छोटे से थिकनेस में भी यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लेयर्स फिर एक ब्लॉक रखा ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से ले जाना है कांस्टेंट तो वी नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए भी यू मस्ट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अब देखो कैसे हाँ तो अब जो है इसमें क्या थ्योरी ये प्रपोज्ड है थ्योरी क्या था कि इस मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लेयर्स भाई ये लिक्विड पड़ा हुआ है फ्लोर पे उसको वेट कर रहा है तो लोएस्ट लेयर है लोएस्ट लेयर ग्राउंड के साथ चिपक गया है ना उसने वेट किया है तो ग्राउंड के साथ ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो अब ये वाला जो टॉप मोस्ट लेयर है वो जो है सॉलिड के साथ चिपका हुआ है तो सॉलिड के साथ चिपका हुआ है भाई ठीक है उसके साथ तो उसकी वेलोसिटी सॉलिड के साथ चिपका हुआ है मगर सॉलिड जा रहा है तो लेयर भी साथ साथ जा रहा है भाई तो टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी वी नॉट तो दैट मींस जो है क्या हो रहा है लेयर्स के जैसे देखेंगे तो यहाँ पे लोएस्ट लेयर की वेलोसिटी जीरो फिर जो है लेयर का वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर द लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डीएच या डीएक्स व्हाटएवर सो यहाँ पर जो है हम ऑलमोस्ट थिकनेस स्मॉल और जो है थिकनेस स्मॉल और लीनियर वेरिएशन मान ले रहे हैं तो वी नॉट माइनस जीरो बाई एच फॉर दिस कम्स अदरवाइज तो ये तो डीवी बाई डीएच है फिर व्हाट इज द थ्योरी प्रपोज्ड द विस्कस फोर्स पीछे की तरफ आएगा ठीक है माइनस साइन ठीक है माइनस भी लिख देते हैं ठीक है अपोज करता है तो ठीक है माइनस लिख लेते हैं नीटा ईटा एरिया इज द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट भाई ये ब्लॉक का जितना एरिया इस स्टिकी लिक्विड के साथ चिपका हुआ है दिस द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट और ये डीवी बाई डीएच दिस द कॉन्सेप्ट हम दिस द थ्योरी जस्ट एक डाउट है जो ये विस्कस फोर्स होता है ये टॉप लेयर लगाता है ना जो फुल सॉलिड हां अब क्या किया नहीं अब क्या हो गया लेयर लेयर के बीच में फोर्स टॉप मोस्ट लेयर इसके साथ चिपका हुआ है नाउ टॉप मोस्ट लेयर हैज बिकम पार्ट ऑफ दिस एफबीडी इसके एफबीडी का पार्ट बन जाएगा टॉप मोस्ट लेयर अब जब इसके एफबीडी का पार्ट बन गया इसके सिस्टम में हम ले लेंगे टॉप मोस्ट लेयर को इसके साथ अब आप जब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसके एफबीडी में तो एक्शन फोर्स दिखाओगे ही फिर टॉप मोस्ट लेयर के नीचे जो लेयर है वो विस्कस फोर्स लगाएगा भाई कितना लगाएगा ईटा ए डीवी बाई डीएच वो वाला विस्कस फोर्स ये हो गया भाई ठीक श्रेयांस इज दिस ओके यस सर चलो भाई ये हो गया सो विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन इन द लिक्विड बिटवीन द लिक्विड लेयर्स यस हां हम बोल रहे हैं भाई टॉप मोस्ट लेयर इसके साथ चिपक गया वो इसका पार्ट फिर उसके नीचे वाला लेयर जो है इस बॉडी पे लगा रहा है डीवी बाई नीटा ए डीवी बाई डी एच ठीक है फिर ये हमने किया फिर उसके बाद जो है ईटा की उसका जो है
पॉइजली और उसमें हमने डिस्कस किया वन पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये डिराइव किया था लास्ट क्लास में. ठीक है, वन पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये डिराइव किया लास्ट क्लास में. व्हाई डिड यू टेक माइनस साइन? तो माइनस साइन ठीक है भाई, ऐसा बता सकते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उसके अपोजिट बताने, बस अपोजिट करने के लिए मैंने वहां पे माइनस साइन से ले लिया. ओके सर. हाँ अपोजिट है तो यहाँ पर ये पता चल रहा है, तो ठीक है वी के अपोजिट है ऐसा बेसिकली. फिर जो है सर, ये जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड है हर लेयर के बीच में सेम रहेगा कि सिर्फ अपर सेकंड लेयर, मतलब ओ नहीं ओ, तो उस जगह पे आपको डीवी बाय डीएच निकालना पड़ेगा भाई, है ना. ओके सर, डीवी बाय डीएच. हाँ अब जैसे मैंने यार, हाँ उसके लिए मैंने एक एग्जांपल एक हाँ पैसेज भेजा था कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन एक भेजा था जिसमें कॉम्प्रिहेंशन 2 कुछ जो भी था 7 चार पांच क्वेश्चंस थे. तो गाइस उसमें दो टाइप का वेरिएशंस उस क्वेश्चन में दिया गया था, एक लीनियर वेरिएशन and the second one was y square के साथ. हाँ वो guys वो सबका आया ना answer? यार नहीं आया. चलो ठीक है guys, करो चलो जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी करो. पहला question क्या है उसमें? 7 थी ये शायद. okay चलो let me draw the question. question says नीचे जो सरफेस है एक सरफेस, और जो है सेवेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ, इसमें जो लेयर और यहाँ पर ये ऐसा लीनियर वेरिएशन दे हैव मेंशन, एज्यूम लीनियर वेरिएशन, ये टॉप मोस्ट लेयर जो ब्लॉक के साथ है, तो टॉप मोस्ट लेयर को इसका पार्ट मान लिए और उसके नीचे वाला लेयर इस ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके सो नाउ दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दे हैव गिवन एक्सटर्नल फोर्स एज q न्यूटन, और उसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भाई इसके वाई के साथ लीनियर वेरिएशन दे आर सेइंग, सो दिस वाई के साथ लीनियर वेरिएशन दे हैव गिवन द वेलोसिटी एज यू इज इक्वल टू सी वन वाई प्लस सी टू. चलो ठीक है ये वाला वेरिएशन गिवन है. अब जो है सेवंथ क्वेश्चन में आपको सी वन सी टू निकालना है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ये. हाँ दिस इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑन अ लिक्विड, कांस्टेंट वेलोसिटी. गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? 2 - e2. ओके 2n यस. हां सो पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसको c1y + c2. करेक्ट करेक्ट, या फिर पहले ये लिख लो भाई लिमिट लगा दो y. कौन सा क्वेश्चन है ये? कोई ग्रुप पे सेंड कर सकता है वापस यार? उसको ग्रुप पे भी सेंड कर सकता है क्या? एक पैसेज वाला क्वेश्चन है. आ गया आया क्या? सो गाइस टेक 2 मिनट्स एंड डिस्कस. ठीक है 1 मिनट जल्दी से हरी ट्राई करो फिर डिस्कस करेंगे. टेक 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 7, पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, पैसेज में वही लिखा है विस्कस फोर्सेस नीटा ए डी यू बाय डी वाई. हां गो फॉर द 7th क्वेश्चन सीधा. और गाइस थोड़ा बी प्रिपेयर टुडे, आज के लिए थोड़ा अगर क्लास एक्सटेंड होता है तो लेट अस एक्सटेंड इट, ट्राई टू कंप्लीट द थ्योरी. हां सो दैट कि यार फिर वो फ्राइडे को आएगा क्लास, तो आप लोग का भी बिजी रहेगा, स्कूल मेरा भी बिजी है. ओके सर एक्सटेंड करते हैं सर. यहां पे जो एफ एक्सटर्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना सर? एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सीलरेशन इज जीरो है, एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है. तो हमने क्या किया, इसके टॉप मोस्ट लेयर को इसका पार्ट बना दिया, उससे चिपका चिपक गया है. अब उसके नीचे वाला लेयर इस पे फोर्स लगाएगा भाई, ये हो जाएगा विस्कस फोर्स, और वो जो यू लेयर को du / dh कर देंगे या फिर du / dy. हां हां नहीं, पहले तो इससे निकालेंगे ना, व्हेन y = 0 पे, y = 0 पे यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो y = 0 u वेलोसिटी है क्या ये जो u है? हां u इज वेलोसिटी ना, तो इससे y = 0 पे u = 0 विल गिव अस व्हाट इट. सर आप कर सकते हो सर, हो गया क्वेश्चन. ओ ये वाला हो गया क्या? हां तो जो है इससे जो है c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो c2 की वैल्यू 0 आ गई. सो कैन यू गिव 2 मिनट्स? ओ यस यस ओके ओके. इज द आंसर 200 and 0? उसका आंसर गाइस मैंने एक और एक इमेज ग्रुप में सेंड किया है. सर वही आंसर एक ग्रुप में सेंड किया है, प्लीज चेक उसका आंसर. मुझे कॉन्सेप्चुअल डाउट है तब तक समझा दोगे क्या? यस हां हां
सर मेरे को जस्ट एक डाउट लास्ट क्लास से आ रहा है कि सर हर लेयर पे विस्कस फोर्स लग रहा है तो व्हाई कांट ऑल द लेयर्स मूव सेम सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा नो सी यहाँ पर क्या रहा है आपने ऊपर वाले ब्लॉक को खींचा है ना एक स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश हो गया ओके सर जो भी है डायनामिक स्टेडी स्टेट सर इक्विलिब्रियम पे है ना डायनामिक स्टेडी स्टेट आ गया उस डायनामिक स्टेडी स्टेट में भी हमने क्या बोला कि टॉप मोस्ट लेयर जो है जिसको उसको टॉप मोस्ट लेयर बोला है जो वो जिसने ब्लॉक को वेट कर दिया है उसके साथ चिपक गया है ब्लॉक के साथ वो भी जा रहा है भाई उसके साथ चिपक गया तो ब्लॉक उसको साथ लेके जा रहा है तो अब जो है टॉप मोस्ट लेयर बन गया ब्लॉक का पार्ट yes, अब जो है टॉप मोस्ट लेयर के नीचे जो वाला लेयर है भाई उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उससे जो विस्कोसिटी का जो है थ्योरी क्या कंसेप्ट क्या प्रपोज किया गया ये वाला दिया गया है नीटा फोर्स लगाएगा सर वो यस तो विस्कस फोर्स ब्लॉक के एफबीडी में पीछे की तरफ दिखाओगे बट उतना ही फोर्स तो उस लेयर पे भी लग रहा है ना फिर ऑपोजिट रिएक्शन रिएक्शन ओके हां उसका उतना ही आ जाएगा फिर उसके नीचे वाला जो है अच्छा हां सर तो नीचे वाला भी लगाएगा तो वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा अलग-अलग फोर्सेस हो जाएंगे यस हां ग्रेडिएंट अगर ग्रेडिएंट पे डिपेंड करेगा ना एंड सर हमें ये भी तो मतलब है वेलोसिटी का प्रोफाइल बन जाएगा राइट यस हां वेलोसिटी का सर पहला ये इतने कि सर अलग अलग लेयर के बीच में उससे इतना फ्रिक्शन नहीं आएगा इससे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बराबर ना सर वेलोसिटी जीरो क्यों लिया है नहीं वेलोसिटी तो नहीं, नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ सर वेलोसिटी कम होते जा रहा है इसलिए ग्रेडिएंट लिखे वो जो अलग अलग लेयर से लिक्विड के उसके बीच में फ्रिक्शन का जो वैल्यू ग्रेडिएंट तो उनका वो तो थ्योरी में प्रपोज किया गया थ्योरी दिया गया है कि भाई विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉट वेलोसिटी बट वेलोसिटी ग्रेडिएंट हां वही सर मैं वही बोल रहा हूं मैं एक और डाउट है सर सर किसी भी हाइट पे ग्रेडिएंट डीवी बाय डीएच सेम हो सकता मतलब अलग हो सकता है क्या यस अगर भी मान लो उसका 8th 9th वाला क्वेश्चन करो देखो बताओ क्या होगा उसमें सर मैं समझ गया ओके सर अगर किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट आ गया तो करेक्ट चलो ये 8th वाला जय आया ना आंसर 7th हां यस सर भाई देखो सर 8th और 9th क्वेश्चन कहां है सर ओके उसके नेक्स्ट फोटो में du by dy c1 हो जाएगा अब बस दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देना भाई विस्कस फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बॉडी इस बॉडी के एफबीडी पे दोनों को बैलेंस कर दो ये वाला 2 हो जाएगा फिर ये ईटा एरिया du by dy व्हिच इज c1 तो उससे c1 की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो C1 की वैल्यू आ गई इससे सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है फिर 10th 9th 10th 11 हो गया ना 9th 10th 11 करना है उसका भी इमेज गाइस को ग्रुप में पोस्ट करो 9th 10th 11 ओके हरी कौन सा 10th में डालते क्या ठीक है चलो वेट नेक्स्ट करते हैं 9th का क्या क्वेश्चन है 9th में उसने फंक्शन चेंज कर दिया चलो वेट ठीक है 9th 10th 11th इज डिपेंड ऑन दिस डेटा u इज इक्वल टू c1y स्क्वायर प्लस c2y यार 8 तो आ गया होगा 8 में तो फिर ठीक है ना बस 8 में c1 आ गया तो फिर आ गया और क्या है ना 8 हो जाएगा अब ये प्लस c3 ठीक है ये लो इन्होंने पैराबोलिक प्रोफाइल दे दिया इसका अब जो है फिर वही यूज कर लो भाई तो अब जो है इसमें y इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 इससे आपका c3 तो उड़ा दो यार यहां पहले ही उड़ा दो इसको ये तो आ गया अब इसको डील करना है आपको और दूसरा जो है y इक्वल टू टॉप मोस्ट ना इसका डेप्थ कुछ दिया है क्या इसका डेप्थ कितना है 2 सेंटीमीटर ओके तो इफ यू आर वर्किंग इन एसआई यूनिट्स वाई पर 2/100 पे यू की वैल्यू कितनी वो उसकी स्पीड कितनी आई थी यार प्रीवियस 2 मीटर पर सेकंड ओके 2 मीटर पर सर इट्स गिवन ओ सॉरी इट्स गिवन ठीक है ये वाला एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगा यार और दूसरा वाला दो अननोन्स रह गए हमारे पास ये और ये इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो दूसरा और दूसरा न्यूटन्स लॉ भी लगा लेते हैं विस्कस फोर्स और एक्शन को इक्वेट कर देते हैं
तो विस्कस फोर्स ईटा ए और डी यू बाई डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी वाई तो टू सी वन नाइन्थ वाले का डेटा सेम है सेवेंथ, बस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया ना. यस ओके नहीं टॉप का वेलोसिटी भी चेंज हुआ. टॉप का वेलोसिटी चेंज है क्या? ओके 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 सर. ईटा नहीं दिया इस क्वेश्चन का, वो सेवेंथ का लेंगे ना इसलिए. तो ओके सॉरी. ओके सर एक इक्वेशन तो ये वाला आ गया अभी, और दूसरा जो है यहाँ से यू का भी फंक्शन आ रहा है सर. आ गए ना सर इक्वेशन. यस हाँ सेकंड इक्वेशन तो आ जाएगी इसमें भी. ये वाला यू की वैल्यू कितनी है? टू इज इक्वल टू सी वन वाई स्क्वायर. अरे बाबा तो यार लंबा सा वैल्यू हो गया. सी टू इंटू टू बाई हंड्रेड. सर सर एरिया भी सेवन क्वेश्चन से ही लेंगे एरिया की वैल्यू. कुछ रॉन्ग है क्या? ईटा ए डी यू बाई डी वाई. यस सर ईटा और ए की वैल्यू सेवन क्वेश्चन वाली ही लेंगे. शार्दुल ये वाला जो है हाँ अपने पास दो इक्वेशन तो हो जाएंगे इससे सॉल्व हो जाएगा ना. हाँ सर सॉल्व तो हो जाएगा. मैं बोल पूछ रहा हूँ कि ईटा और एरिया की वैल्यू हम सेवेंथ क्वेश्चन वाली ही सेम लेंगे ना. यस 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 प्लीज हाँ वही वाला ले लो. हाँ ओके सर. सर सी टू भी जीरो आ रहा है. सी टू भी जीरो आ रहा है क्या? ओके सर मुझे लास्ट लेक्चर से डाउट था. यस हाँ सर हमने जो सब डेरिवेशन किया है 2s cos theta by rho gr वो सब एक्चुअली हमने किया क्या? हमने एक ही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से डेराइव किया कि केसेस बनाए कि ऐसे केस में ऐसे आएगा? नहीं 2s cos theta वो तो कैपिलरी राइज इन सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब था ना. हाँ सर जो 2s cos theta by rho gr था तो वो क्या था? कैपिलरी राइज इन अ सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब वो अलग था. यस सर. सो उस पर तो वो तो एक केस हो गया. हमने डिराइव किया पर सर हमने इतने सारे केसेस लिए सात आठ केस लिए तो हमें उसे एक ही फॉर्मूला मिल रहा. तो हमने क्या डेरिवेशन किया एक ही फॉर्मूला का या फिर हमने अलग अलग केस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया? फॉर्मूला एक नहीं बोल सकते, सिमिलर मतलब सिमिलर टाइप का हुआ ना, एक नहीं बोल सकते क्योंकि सेटअप ही चेंज कर दिया. कहीं पे आपने दो प्लेट्स को खड़ा कर दिया था है ना, और कहीं पे आपके पास कैपिलरी ट्यूब था तो वही डिफरेंट केसेस थे. तो बेसिकली ने क्वेश्चंस किए हैं ना. यस क्वेश्चंस किए हैं अलग-अलग. ऐसे तो भी क्वेश्चन आएंगे. यस यस हां बेसिकली प्लेट्स का ट्यूब का इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमने एवरी टाइप ऑफ एक एक कर लिया. सर हमें सिर्फ मेन जो फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला है वो याद रखना है ना, बाकी सारे हम प्रेशर इक्वेट करके या न्यूटन्स लॉ से डिराइव कर लेंगे ना. तो फंडामेंटल सर पीएक्सएस निकाल लेंगे. लैप्लस वाला राइट? लैप्लस वाला. यस सर लैप्लस वन एंड दैट वन इन व्हिच द इन देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब एंड द वाटर एंड वी डिड एट द फर्स्ट वन. ओके ओके ठीक है. मतलब बाकी 6 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है ना, वो जस्ट एक एनालिसिस एक हां प्रैक्टिस के लिए हो गया अलग-अलग सेटअप में. ओके sir when we have eta a times 2 c1 y plus c2 what do we do for about y so oh yahan par okay you are saying y ki value 2 hai na sorry y ki value 2 hai na sorry 2 cm eta a aur 2 c1 y ki value 2 by 100 2 cm matlab ye kab lag raha hai bhai jab topmost pe hai tab lag raha hai. yes ha इससे सॉल्व करना होगा. जयशंकर इज दिस ओके ना? यस सर. भाई या फिर सॉल्व करने की बजाय जो आंसर दिया उसमें वैल्यू पुट अप करके देखो सॉल्यूशन लेना लग रहा है ना इसका. हां सर वायर्ड इजीली सॉल्व हो जाता है पर. ओके हां सर इजीली सॉल्व हो जाता है. ओके ओके भाई ये हो गया. नेक्स्ट जो है बुकलेट में ना बुकलेट का पेज नंबर 77 में ये क्वेश्चन जल्दी से करो. कौन सा क्वेश्चन सर? आईसी. अच्छा ओके आईसी का 6 क्वेश्चन. ओके सर. यस इन चैप्टर एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन सर. पेपर 10th वाले का सॉल्यूशन बोल सकते हैं? मेरे को समझा नहीं जस्ट बिलो द प्लेट का मतलब क्या निकालना क्या है 10th में. टेंथ में गाइस क्या निकालना था? सो वेलोसिटी ग्रेडिएंट जस्ट बिलो द प्लेट सर. तो मेरे को उससे वो कंफ्यूज. डी यू बाई डी वाई. डी यू बाई डी वाई रखो. डी यू बाई डी वाई. ऑफ कोर्स मैं वाई का वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखता हूं. यस सर वो विस्कोसिटी 1 मिली पॉइज है ना?
मिलीपॉइस यस यस मिलीपॉइस यस हाँ मिली 10^-3 हाँ तो यू फोर होना चाहिए ना सर टू के से एट में तो यू फोर आया ना फोर है नहीं मिलीपॉइस यू आर आस्किंग क्या नहीं नहीं सर आपने यू टू लिखा है सर हाँ. सर लेकिन एट में जब सॉल्व के तो यू फोर आ रहे हैं क्वेश्चन में टू दिया हुआ है गाइस इस वीक थोड़ा सा ज्यादा आपको एफर्ट डालना है क्योंकि लास्ट वीक पूरा आपने रोटेशन पे कर दिया था इस वीक में मुझे पूरा ये करना है तो अच्छे से थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना है गाइस इसमें टाइम ज्यादा देना है मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट सॉल्व द होमवर्क वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन So shearing stress will be eta into dv by ds, right? Because that area will. Guys, मैंने पढ़ा था shear जो अपन discuss किया था क्या होता है layer layer के बीच का force, right? So shear is basically याद है हमने वो जब ये shear modulus test करे थे layer layer के बीच का force. So shear modulus is defined as the tangential shear stress is defined as tangential stress divided by area. तो शियर वाला जो है बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स लेयर और लेयर के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स है डिवाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गिव अस स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस सर शायद आंसर मैच नहीं हो रहा सो व्हिच क्वेश्चन डू वी हैव टू अटेम्प्ट ओ ये वाला पेज 77 में 6 वाला इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है वो 1 मिलीपॉइस हो रहा है सर वो 1 मिलीपॉइस है पॉइस है पॉइस को भी मिल पॉइजली में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीपॉइस के बाद देखो गाइस इसमें 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइस सो पॉइस कितना हो जाएगा पॉइस इज 1 पॉइजली इज 1 मिलीपॉइस बेसिकली 1 पॉइजली इसको डेका पॉइस भी बोल देते हैं गाइस हां 10 इज डेका तो ये तो हमारे पास रिलेशन है जो हमने डिराइव किया था फिर जो है उन लोगों ने विस्कोसिटी का यूनिट दिया है आपको कितना दिया है 1 मिलीपॉइस इसका क्या मतलब हो जाएगा 10^-3 ये तो मिली का हो गया पॉइस का कितना होगा 1/10 पॉइस ही हो गया अब ट्राई करो भाई क्या निकालना है इसमें मिस्टेक कर रहा था तो प्रीवियस पेज दिखा दोगे यस 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 गाइस और रीडिंग होमवर्क था यू गाइस थ्रू क्या वाला पार्ट लास्ट वीक ही दिया था ना आपने वो खत्म हो गया वो दिन ही यस सर वो चार पेजेस थे ना चार पेजेस के पॉइजनस इक्वेशन सब यस सर वो बस गो थ्रू करने का वो वाला दिस इज नाउ आई विल डिराइव ईच एंड एवरी पॉइंट हां एक एक करके डिराइव करता हूं चलो गाइस ये वाला तो सबका ओवर हो गया इस क्वेश्चन में ईटा और एरिया दिया हुआ था कि नहीं दिया था इस क्वेश्चन में यार क्या एरिया की जरूरत ही नहीं थी ना नहीं नहीं ईटा दिया ना 1 डेटा 1 मिली पॉइंट्स एरिया की जरूरत नहीं एरिया की जरूरत नहीं होगी भाई इसको ऐसे करेंगे अभी आपके पास जो है विस्कस फोर्स का विस्कस फोर्स टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ईटा ए डीवी बाय डीएच है ना भाई एफवी बाय ए निकालना है This is shearing stress. So eta dv by dh. Eta की value आ गई 10^-4. और यार velocity gradient uniform मान रहे हैं, तो uniform मांग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा change in velocity over length? 5/10. 5 - 0/10. चल ठीक है guys. Now let us start. तो ये सबका हो गया तो I will move on. मानवी बात इस बंदा. सर आपको eta कैसे आया? वो ईटा ये गिवन है भाई देखो 1 मिली पॉइस मिली का मतलब हुआ 10 टू पावर ओ तो ईटा इज पॉइजली नो नो मिली इज 10 टू पावर माइनस 3 हां और पॉइस बराबर पॉइजली बाय 10 तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 पॉइजली ऐसा ही ओके सर अब ईटा की वैल्यू वहां रखेंगे
क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, उसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ फ्री स्पेस। ओ ये वही हो गया कि लोएस्ट लोअर मोस्ट लेयर जीरो, फिर ऊपर कई सारे लेयर्स, वेलोसिटी ग्रेडिएंट का प्रोफाइल है तो उनके बीच में। यस यस उनके बीच में विस्कस फोर्स वही उसी जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब जो है पॉइज़न्स इक्वेशन, पॉइज़न्स इक्वेशन। सो गाइस दिस इज इन बोर्ड्स और जो है अपना मेंस के लिए एडवांस में मेंशन नहीं है, लेकिन गाइस क्या हो सकता है इसका पैसेज बनाकर एग्जाम बन सकता है। तो इसका जो है वी विल डू इट, पूरा डेरिवेशन पूरा प्रॉपर करेंगे इसका। हाँ तो ठीक है, पहले देखते हैं व्हाट इज पॉइज़न्स इक्वेशन, पॉइज़न्स लॉ। तो उसके लिए तो गाइस जैसे आपके पास ये सिलिंड्रिकल ट्यूब, ये सिलिंड्रिकल पाइप हो गया। अब ठीक है, इसका लेंथ एल से रेडियस इज आर, रेडियस आर। हाँ, और गाइस आपको मान लो इसमें से कोई जो लिक्विड लिक्विड पास ट्रांसपोर्ट कराना है, ऑयल ऑयल या कोई दूसरा लिक्विड, उसको जो है लिक्विड का हमें ट्रांसपोर्ट कराना है। लिक्विड स्टिकी लिक्विड है, चिपकता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड से उसे ठूसना पड़ेगा। तो एक साइड प्रेशर ज्यादा और एक साइड प्रेशर कम, सो वी हैव टू मेंटेन प्रेशर डिफरेंस। लिक्विड स्टिक कर रहा है तो एक साइड से हम उसको ठूसेंगे, तब जाके ये लिक्विड जो है बाहर निकलेगा भाई। और हमारा एम क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड से बाहर निकालना, ठीक है भाई। तो जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट करवाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसको ठीक है डिनोट कर देते हैं भाई क्यू से, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको लिख लो भाई, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, डी वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। टू प्रूव नाउ, तो क्या प्रूव करना है, रेट ऑफ कांस्टेंट फ्लो, हाँ जो लिक्विड यहां से निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी। हाँ, डेल्टा पी क्या है भाई, प्रेशर डिफरेंस, पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन इज द प्रेशर डिफरेंस, पाई डेल्टा पी आर टू पावर फोर अपॉन एट ईटा एल। तो ये हमें प्रूफ करना है अभी, ये क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, पाई इज कांस्टेंट, डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप, eight to constant, eta is coefficient of viscosity of the fluid which is flowing inside the pipe, l is the length of the pipe. तो pressure difference क्यों आता? अरे ये तो चिपक जा रहा है ना, तो हमें इसको constant rate से निकालने के लिए एक साइड से ठूसना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, तो बाहर निकले। हाँ क्या 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 सर, मैं नहीं समझा था। ओ नहीं, एक्चुअली क्या, ये लिक्विड जो इससे चिपक जाता है, तो लिक्विड जो है उसके वॉल्स पे चिपक रहा है, स्टिक कर रहा है। ओ सरफेस टेंशन, नो नो नो, विस्कोसिटी, विस्कस है, स्टिकी लिक्विड। ओके ओके सर, ओके सर, स्टिकी लिक्विड है, तो आपको एक साइड से इसको ठूसना पड़ेगा, इवन दो कांस्टेंट रेट से बाहर निकालने के लिए भी जो है, तो एक साइड से ठूस रहे मतलब एक साइड का प्रेशर ज्यादा करोगे। ओके सर, ओके सर, वापस समझाएंगे सर, नहीं समझे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल पाइप, पाइप है मान लो, और यहाँ इसके अंदर हमें जो है ऑयल, ऑयल को ट्रांसपोर्ट कराना है। तो इस साइड से क्या करना पड़ेगा, ऑयल क्या चिपक जाता है, इसके पाइप के वॉल्स पे चिपकता है, देयर इज अ विस्कोसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड से इसको ठूसना पड़ेगा, ठूसेंगे तभी तो इस साइड से वो बाहर निकलेगा, नहीं तो चिपक जाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक साइड का प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा भाई। हाँ, डिफरेंस आएगा तो फ्लूइड फ्लो करेगा। यस, अब ये प्रूफ करना है गाइस, इसको प्रूफ करने के लिए विल दिस जो है बुकलेट का पेज 73 से हम कर रहे हैं गाइस, हां पेज 73 बुकलेट का सेम प्रूफ यूज कर रहे हैं, सेम मेथड, हां उसी वे से प्रूफ कर रहे हैं। इसको जल्दी कॉपी करो, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं लाएंगे तो ऑयल स्टेशनरी रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों साइड से जीरो जीरो वेलोसिटी हो जाएगा लेयर्स का। हाँ, मतलब फिर मूव कैसे कराओगे आप? यस सर, ओके सर, कॉपी द प्रूफ।
कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट, और भाई लॉ जो है यूनिफॉर्म रेडियस वाला सिलिंड्रिकल पाइप के लिए है. सर सिलिंड्रिकल एलिमेंट यहाँ पर लिखा है पर कैसे कंसीडर किया है सर? एक मिनट जाओ. चलो गाइस ये सबका हो गया ना? हाँ सर. चलो गाइस सो आई विल एक मिनट जाओ, आई विल म्यूट, अब एक्सप्लेन करता हूँ. तो गाइस यहाँ पर जो है क्या गिवन है यार, इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर वही सिलिंड्रिकल का पाइप बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. ये पाइप ऐसा हो गया. अब इसमें जो है ये पाइप, ठीक है, तो ये एक्सिस हो गई एक्सियल लाइन, ये एक्सिस लाइन, ठीक है भाई, ये वाली. अब जो है लिक्विड यहां से हम दूसरा इधर से बाहर आ रहा है ना. अब ये लिक्विड जो है यहां पर इसको वेट कर रहा है, तो वेट यहां पे कर रहा है, तो यहां पे लिक्विड क्या होगा, चिपक जाएगा. तो पहला लेयर किसको पहला लेयर लेंगे, पहला लेयर कौन सा वाला होगा, जो लेयर यहाँ इसके पाइप से चिपका हुआ है. ओके, सो दैट मीन, और डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं भाई, तो ये जो डिस्टेंस हो गया आर इक्वल टू आर, हाँ डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल लाइन से, ये वाला डिस्टेंस आर इक्वल टू आर भाई, यहाँ पर आर इक्वल टू आर पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, आर इक्वल टू आर पे वेलोसिटी जीरो कैसे ले रहे हैं भाई, देखो ये पाइप से जा रहा है पहला लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर ना, आउटर मोस्ट लेयर पाइप के पेरिफेरी पे चिपका हुआ है, इसको वेट किया चिपका हुआ है, तो हम बोल रहे हैं वो दैट इज आवर फर्स्ट लेयर, दैट इज आवर फर्स्ट लेयर, तो उसकी वेलोसिटी बाय पाइप रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी जीरो. अब यहाँ वेलोसिटी जीरो, बीच वाला जो है क्या होगा, यहाँ पर वेरियंस आएगा भाई, यहाँ पर मीडियम में सेंटर पे ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेरी करता रहेगा. तो दैट मीन्स वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है भाई, यहाँ पर सब यहाँ के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो है भाई, यहाँ पर आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे वेलोसिटी जीरो, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे वेलोसिटी जीरो, नीचे भी, हाँ नीचे भी वैसे ही, मतलब रेडियल वेरिएशन आ गया, वेलोसिटी का रेडियल वेरिएशन. ओके, तो रेडियल वेरिएशन आ रहा है, तो अब जो है वेलोसिटी पता नहीं कैसे वेरी कर रही है, तो अब एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट क्या लेंगे हम, ये वाला. अब एलिमेंट कौन सा लेंगे, सॉलिड लेंगे, हाँ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है भाई, ये वाला एलिमेंट लिया. तो ये जो लिक्विड में ही लिक्विड के एलिमेंट्स रिलेटिव मोशन हो रहा है भाई ना, अब इसको सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड लेंगे और बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, बाउंड्री मस्ट बी देयर भाई, ये वाला बाउंड्री हो गया, तो ये वाला बाउंड्री हो गया. अब इसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो इसके अंदर जो भी लिक्विड हो जाएगा वो इंटरनल सिस्टम हो जाएगा भाई, अब इंटरनल सिस्टम. अब ये कैसा हो गया, सोचो ना, ऐसा सबमरीन, सबमरीन निकल रहा है बाहर, सबमरीन आर रेडियस का सबमरीन, स्मॉल आर रेडियस का सबमरीन इस लिक्विड से बाहर निकल रहा है. अब इसके अंदर का जो भी है उसको हमने सिस्टम में ले लिया है ना, तो अब इसके अंदर भी क्या होंगे, कई सारे लेयर्स, और उन लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, विस्कस फोर्स, लेकिन हमने सबको सिस्टम में बोल दिया, तो भाई ठीक है, आपको जो है एफबीडी में फोर्सेस ऑन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द सराउंडिंग निकालना है. चलो ठीक है, ये वाला आर ना, तो इस साइड में आपने प्रेशर डाला है पी टू, तो भाई ठीक है, इस साइड से फोर्स क्या लगेगा, पी टू इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर से ठूस रहे हो, इधर साइड से प्रेशर इज पी वन, पी वन इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया भाई इधर से है ना. अब जो है ये सबमरीन, ये सबमरीन जो है लिक्विड से बाहर निकला, तो भाई देखो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है लेयर्स के बीच में, लेयर्स के बीच में है ना, और वेलोसिटी देखो कैसा है, जैसे जैसे इधर ऊपर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है ना ऊपर भाई, ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी यहाँ सबसे ज्यादा इधर कम होती जा रही है, जीरो हो गई यहाँ की वेलोसिटी, ठीक है. तो भाई अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, विस्कस फोर्स भाई, ये सबमरीन इधर इस साइड बाहर निकल रहा है, सबमरीन इधर बाहर निकला, तो विस्कस फोर्स इस पे पीछे की तरफ, ठीक है, सबमरीन इस साइड बाहर निकल रहा है, इस साइड विस्कस फोर्स ऑन द बैकवर्ड साइड, ठीक है. अब फोर्सेस लिख लेते हैं लेफ्ट और फोर्थ, हाँ कॉन्स्टेंट रेट से निकाल रहे हैं भाई, कॉन्स्टेंट रेट, एक्सलेशन जीरो, फोर्सेस बैलेंस कर दो,
ना राइट और लेफ्ट के फोर्सेस बैलेंस्ड। भाई राइट साइड पे कौन सा आ गया, ये वाला पी टू इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट यू हैव ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इधर से लग रहा है भाई ये वाला पी वन इंटू पाई आर स्क्वायर, पी वन इंटू पाई आर स्क्वायर और विस्कस फोर्स। सो विस्कस ये वाला पी टू माइनस पी वन इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भाई विस्कस फोर्स लेयर्स के बीच का। अब विस्कस फोर्स जब लिखेंगे क्या फॉर्मूला है, नीटा एरिया डीवी बाई डी आर ना। और माइनस साइन गाइस, माइनस साइन जस्टिफाई भी करेगा ना, देखो जैसे कैसे, जैसे एज यू मूव अवे, ठीक है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन एक्शन लाइन, सी वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी जो है आपकी डिक्रीज करते जा रही है, ठीक है यार, ऐसे भी जस्टिफाई हो रहा है ना। सो माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने लगा दिया। ऑल्दो हमने फोर्सेस भी जो है, फोर्सेस कैसे लगाया था भाई, हमें पता था कि इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा ऑब्वियसली ना, इस सबमरीन पर डायरेक्शन पीछे की तरफ। तो क्या लिखा आपने, माइनस ईटा एरिया और डी वी बाई डी आर यहाँ पे लिखा, और ये वाला आ गया पी टू माइनस पी वन पाई आर स्क्वायर। नाउ सी फिर उसके बाद भाई पी टू माइनस पी वन लिखे पहले, पी टू माइनस पी वन पाई आर स्क्वायर ईटा एरिया। भाई एरिया किस एरिया पे विस्कस फोर्स लग रहा है, उसके कर्व सरफेस एरिया, सबमरीन के कर्व सरफेस एरिया, ये वाला ना कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, टू पाई आर एल और डी वी बाई डी आर कर दो। चलो भाई यहाँ से पहले तो पाई उड़ा दो, यहाँ पर एक आर भी छोटा हट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर, पी टू माइनस पी वन, एक आर उड़ गया तो आर डी आर इधर वाला डी आर को ऊपर भेजो, और यहाँ पे आ जाएगा टू ईटा एल और इधर बच जाएगा डी वी। इंटीग्रेट करते हैं। नाउ अब लिमिट्स डालनी है भाई, हाँ तो लिमिट्स जो है लोअर्स, मतलब जैसे लिमिट्स के, लिमिट्स जो है जो साइड है उसके अकॉर्डिंग डालते हैं हाँ। ये आर वाला साइड है, ये वी वाला साइड है। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके रेस्पॉन्डिंग पुटअप कर लेंगे ना। हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ का पता है, यहाँ का पता है, ये वाला r इक्वल टू r पर है ना, व्हेन r इक्वल टू कैपिटल r वेलोसिटी जीरो। तो चलो वही वाला रख लेते हैं भाई, r इक्वल टू सरफेस पर वेलोसिटी इज जीरो, जो लिमिट की रेडियस वाला साइड वेलोसिटी वाला साइड, रेडियस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे वेलोसिटी जीरो, और किसी r पे v निकालना है। ऑल राइट, तो यहां तक तो आ गए, माइनस कहाँ चला गया, ओ माइनस साइन, ठीक है वाला माइनस साइन, माइनस साइन क्यों, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं भाई यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज, इसलिए लिखा माइनस साइन। फिर यहाँ पर माइनस पी टू माइनस पी वन बाई टू ईटा एल, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू कर लेते हैं इसको ना, हाँ आर स्क्वायर बाई टू करेंगे, टू करेंगे तो नीचे वाला टर्म तो फोर हो जाएगा यार, तो नीचे वाला टर्म जो है फोर हो गया, फोर आर स्क्वायर बाई टू ना, आर स्क्वायर बाई टू स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये माइनस साइन भी हटाते हैं और लिमिट स्वैप, ठीक है, तो ये आर कैपिटल आर। सो नाउ वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी एज, लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, क्या हो जाएगा ये वाला जो है, अब तो ठीक है, फिर वी की वैल्यू कितनी आ गई, पी टू माइनस पी वन बाई कितना था, फोर ईटा एल, फोर ईटा एल, और ये वाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो यहां तक तो अभी जो है वी गॉट वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी, हाँ देखो गाइस वेलोसिटी जो है कैसा वेरी कर रहा है, यहाँ पे आ गया पी टू माइनस पी वन फोर ईटा एल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अभी भी हमारा एम तो सॉल्व ही नहीं हुआ, हमारा क्या प्रूव करना था हमें, कहाँ गया, ये प्रूफ करना था भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है, दैट इज आवर एम। सो ठीक है भाई, अभी तो वेलोसिटी निकला है, चलो ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकल गया तो ये सिलेंडर ड्रॉ किया और
ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ये हो गया एक्शन लाइन, ये एक्शन लाइन। अब जो है आपको निकालना है ना एरिया, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो है, वी नो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी, या लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ठीक है भाई, वेरिंग है, कैसे वेरिंग है, आर के साथ। तो मतलब फॉर एवरी आर सेम है ना, एक पर्टिकुलर आर के लिए रेडियल डिस्टेंस के लिए सेम है, तो ऐसे रेडियल आर डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब इसका जो है इस साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, तो साइड व्यू में ये ऐसा दिखेगा, ये सिलेंडर सर्कल जैसा, और ये वाला जो है उसका ये स्ट्रिप, ठीक है। एट दिस ऑल डिस्टेंसेस आर वेलोसिटी सेम है ना, एट डिस्टेंसेस आर वेलोसिटी सेम, ये वाला जो है हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो है निकालना है, निकालना है तो ठीक है भाई, क्यू निकालना है तो क्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, छोटा एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस छोटा एरिया, दिस छोटा एरिया विल बी टू पाई आर डी आर, this will be 2 pi r dr, and we have got velocity, we can get velocity p2 minus p1 4 eta l r square minus r square. Now pura integrate karna hai, pura full summation, okay, to zero se r tak pura sum kar lete hain, so isme se kya kya bahar aa jayega, p2 minus p1 जो बाहर आ रहा है, फिर जो है ये 2 है 4 है तो 2 ईटा एल पाई आल्सो विल कम आउट, ओके, तो पाई भी बाहर आ गया, सो यू हैव पाई आल्सो आउटसाइड। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर कहां चला गया, इंटीग्रेशन के अंदर ये बचेगा एंड ये बचेगा, ये आर को इसके ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब और डी आर जीरो से आर, ठीक है भाई। ये वाला क्या हो गया, पाई पी टू माइनस पी वन टू ईटा एल ना, टू ईटा एल यहां तक आ गया, फिर आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू माइनस इसका हो जाएगा आर टू पावर फोर बाई फोर स्क्वायर ब्रैकेट्स जीरो टू कैपिटल आर, पाई पी टू माइनस पी वन, अब ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, वन बाई फोर और नीचे टू है, हाँ ठीक है, एट आर टू पावर फोर और ईटा एल, सो दिस इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ओके ओके ठीक है भाई। अब जो है इसमें, चलो ठीक है यहाँ तक हो गया, अब आई विल अनम्यूट, लास्ट पेज दिखाओ ना, लास्ट पेज, ओके ओके। सर आपने जब इंटीग्रेशन किया वो नेगेटिव साइन आप लेकर आए, वो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे आपने उसे मैनेज किया लिमिट स्वॉप करते समय। ओह ये यहां से यू आर आस्किंग कि ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया, राइट? यस सर, हां वहां पे नेगेटिव साइन कहां था मुझे वही नहीं समझ में, वो नेगेटिव साइन क्यों था, हां ये नेगेटिव साइन कैसे आया, यू आर आस्किंग ना, यस सर, यस सर। सो हां गाइस, हमने तो जो है ये तो लिख लिया विस्कस फोर्स डायरेक्शन के साथ लिखा, लेकिन क्या हो रहा था, विस्कस फोर्स जब लिख रहे थे तो विस्कस फोर्स में क्या आता है, नीटा ए डीवी बाई डी आर आ रहा है। अब डीवी बाई डी आर क्या हो रहा है, अगर जैसे से ऊपर जाते जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर विस्कस फोर्स में ये वाला माइनस साइन डाल के रखा, मतलब वो माइनस साइन डीवी बाई डी आर की वजह से आया है। यस यस यस, बिकॉज़ डीवी बाई डी आर वहां पर नेगेटिव हो रहा था ऊपर जाते थे। ओके सर, समझ, थैंक यू सर। मैं वापस से डायग्राम समझा सर, तो थोड़ा कंफ्यूजन है डायग्राम। डायग्राम में हाँ नहीं, डायग्राम में क्या दिया है, एक सिलिंड्रिकल पाइप। अब जो है आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर वो पाइप के सरफेस के साथ चिपक गया, उसको वेट कर दिया, तो हमने बोला कि भाई वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो पाइप के साथ सरफेस पे चिपका पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो। Okay, अंदर जो है वेरिएशंस हैं भाई, तो अब वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस का पैटर्न कैसा वेरी हो रहा है पता नहीं। अच्छा सर, आपने एक और सिलेंडर अज्यूम किया फिर रेडियस स्मॉल आर ना, और फिर उसके हिसाब से आपने किया। यस यस सर। हमने पहले से अज्यूम कर लिया ना कि एजेस पे जीरो ही रहेगा वेलोसिटी। यस यस यस, एजेस नहीं, एजेस वाला लेयर्स जो है पूरा लेयर उसको वेट किया है, वेट किया है तो उस सॉलिड के साथ चिपका हुआ है, चिपका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी वही है जो
सॉलिड की है सर आप आगे का पेज दिखा सकते हो नेक्स्ट पेज क्या होगा सर जस्ट सेकंड कैन यू वेट या सर यस हाँ सर एफवी हॉरिजॉन्टल में है ना तो फिर हम डीवी बाय डीआर वर्टिकली मींस वर्टिकल वेरिएशन लिख सकते हैं ओह नो एफवी का डायरेक्शन कैसे आता है जैसे वही हुआ अभी तक जो हम कर रहे थे इसमें जो है सी जैसे हम ये विस्कोसिटी वाला जो था सी यहाँ पर वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसे है बिकॉज़ ऑफ द वेरिएशंस ओनली देयर इज रिलेटिव मोशन ना हां समझा सर थैंक यू सर वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर राइट एक मिनट हां यू आर लाइक कौन सा लिमिट्स यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब व्हिच वन सर p2 - p1 / 2 ईटाइल ओके यहां तक है ना अब ये जो है अब यहां पे मैंने क्या किया भाई ये वाला वेलोसिटी वाला साइड है और ये r वाला साइड है Yes, मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि जब when r equal to small r equal to capital r मतलब सरफेस पर यहां की वेलोसिटी सर अगर दोस लिमिट्स आर अंडरस्टूड बट वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कैपिटल r टू स्मॉल r सो ड्यूरिंग दैट dv / dr इज इंक्रीजिंग राइट ओके यू आर सेइंग कि ऐसे वाले में यस सर फ्रॉम टॉप टू डाउन नहीं वो तो इंटीग्रेट हम ऐसा कर रहे हैं वो तो करेस्पोंडिंग रखा है इसकी वैल्यू ये है करेस्पोंडिंग इसकी वैल्यू ये है ऐसा ओके सर सो दैट वोंट मैटर डीवी बाय डीआर नहीं ओके सर मेरे को एक डाउट था सर सभी प्रीवियस सबनों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए तभी हमने मॉड लिया विस्कस फोर्स का सर फिर यहां क्यों नहीं ले रहे क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है ना नहीं नहीं यहां पे भी मॉड लिया लेकिन क्या हो रहा है कि डीवी बाय डीआर की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है ना अच्छा सूर्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ही अपने कोर्स में हां तो सर फिर सर सम सॉल्व करते-करते भी डी बाय डी का वैल्यू चेक करें नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है कि मॉड लेके कर ले हमने मतलब नहीं एक बार डाल दिया ना एक बार यहां पे पुट अप कर लिया ना सो फिर तो ठीक है कैन यू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज ओके पुट अप सर क्या बोल रहे हो नहीं हमने जो है भाई देखो dv / dr नेगेटिव आ रहा था इसलिए माइनस साइन तो वहां रख ही दिया था हां हां बस फिट हो जाएगा ना हां तो सर हमें जब चेक करें dv / dr क्या आ रहा है फिर हां अगर नेगेटिव आए तो हम सॉल्व करते करते मॉड ले ले सर अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस लेते मतलब ऊपर से तब तो dv / dr पॉजिटिव ही ले लेते ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं हां लेकिन यहां पे एक्चुअल लाइंस सेंट्रल लाइन से हम ले रहे हैं हां सर ओके सर गॉट इट गाइस अब जो करना है आपको पेज 90 में जिसका ये हो गया है पेज 90 कॉम्प्रिहेंशन 1 करना है मॉड्यूल का यस मॉड्यूल पेज 90 कॉम्प्रिहेंशन 1 जिसका ये हो गया सॉरी ये कॉपी कर लो यार इसी के बेस पे है बोला सर तो ये जो क्यूब हम लोगों ने निकाला है वो जनरल केस का क्यों नहीं है सिर्फ सिलिंड्रिकल ट्यूब का ही है ना यस हां पॉइजनस लॉ उन्होंने सिलिंड्रिकल ट्यूब के लिए लिया है तो और किसी का डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग हां ना ये वाला भी ऐसे डेरिवेशन प्लीज कीप इट ऑन द लास्ट पेज फॉर 2 मिनट्स गाइस पेज 90 कॉम्प्रिहेंशन 1 इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और जल्दी करो और सर एक और चीज पूछना था कि यहाँ पे आपने जो लेयर्स लिए है वो सिलेंड्रिकल लिया है क्योंकि ट्यूब का शेप सिलेंड्रिकल है yes, तो अगर मेरा ट्यूब का शेप कोई और शेप होता जैसे क्यूबॉइडल तो क्या मैं लेयर्स उसमें भी क्यूबॉइड लूंगा या नहीं ले सकते फिर वहां पर जो है यहाँ पर सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं ना वहां पर नहीं दे पाएंगे ना कैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे तो सिलेंड्रिकल के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो ऑल रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन से वहां पर नहीं बोल पाएंगे कुछ इसलिए उन्होंने लॉ उसके लिए दिया ही नहीं है अच्छा वहां उसके लिए कुछ ठीक है सर सर इसी फॉर्मूला से हम क्या कह सकते हैं कि लेस विस्कस फ्लूइड ज्यादा अच्छा फ्लो होते हैं क्योंकि सर प्रेशर डिफरेंस कम देना पड़ता है उनमें फ्लो करने के लिए ना यू आर सेइंग ओके ओके ओके
सकते हैं सर. ओके ओके, हां स्टिक नहीं करेंगे, यस इजीली फ्लो हो जाएंगे. सर आप रिपीट कर सकते हो कौन सा हमें करना है अभी? यस यस आई विल राइट डाउन. पेज 90, पेज 90 में जो है मॉड्यूल पेज 90 कॉम्प्रिहेंशन 1 टू 5 करना है सर. यस हां सर, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें जो p है वो डेल्टा p हो जाएगा ना, लाइक p2 - p1. हां हां गाइस, वहां पे p इज डेल्टा p. हां ओके सर, p इज डेल्टा p. Guys, first I announced that first. Yes, sir. Yes, sir. Find the solve now, sir. Okay, okay. Previous two pages, दिखाओगे क्या एक से? Okay, okay, one minute. So in the first one, I'm getting F is equal to pi r square into delta p. So like F is independent of the material of the like the fluid. You are getting F is equal to pi. वो F में ही जो है viscous force, right? Yes, sir. You are saying viscous force आपको मिल रहा है P pi r square. So, yes, yes. So which means like if I'm moving with the velocity v in the water and as well as in oil, the force viscous force will be the same. Oh, यहाँ पर बोल रहे हो कि for मतलब जो है constant flow rate के लिए sir, मतलब फिर उसके लिए फिर eta और dv by dr का pattern भी, मतलब ये जो है आप बोल रहे हो you are getting this. So वो eta l cancel हो रहा है मतलब. Yes yes yes. So basically आपका वही आ जाएगा ना. हाँ. This is equal to this. The FP is proportional to r square. Yes. हाँ. Okay. The next page. Okay. Done sir. Done done. हाँ. Sir, what do we have to do after the comprehension? वो कॉम्प्रिहेंशन हो गया क्या? पांचो हो गए. सर डाउट्स हैं. चलो कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो फिर वाला 1 3 तो 1 3 5 करेंगे. नेक्स्ट पेज चला है. कौन सा डाउट है हर्षल? 1 3 5 1 3 5 पे डाउट है. चलो एक मिनट. हाँ हर्षल, तो इसको तो आप जो है ऐसे कर लो, ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. Is this okay? Oh, area okay, okay sir, okay sir. समझ गया sir. हाँ, first वाला हो गया. Second में second हाँ. Second तो सिर्फ बस r by 2 डालना है ना, small r की जगह पे. Second हो गया. Third वाला, third में डाउट करना है. Third वाले में. तो third में भी v naught और q को divide कर देना है. Okay. Sir. Yes हाँ. Second में sir ये option में mistake है कि sir before it should be क्योंकि आंसर पीआर स्क्वायर अपॉन 16 ईटा आ रहा है, यहां पे सर 3 पीआर स्क्वायर दिया है. यार थर्ड का गाइस कुछ मिस्टेक है क्या? नो सर, नो सर आ रहा है. ओके सर, लेकिन अगर हम क्यू और वी नॉट को ये डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा ना. एक मिनट, क्या क्या निकालना है? क्यू की वैल्यू एक मिनट, पाई पी आर टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल है ना, पी इज डेल्टा पी और v नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको, दी हुई है ना, v नॉट की वैल्यू कितनी है? v नॉट की वैल्यू p r स्क्वायर 4 ईटा l दी हुई है. चलो ठीक है, अब यहां से p की वैल्यू निकाल लो यार. v नॉट 4 ईटा l अपॉन r स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां रख लेते हैं.
गाइस इससे आएगा क्या आंसर? सर इससे क्यों आना चाहिए सर? देखो हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। कौन सा डाउट है? फोर्थ वाला सर? फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला है। यस सर। ओके फोर्थ तो ठीक है, फोर्थ वाला तो आपको इक्वेशन से आ गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द सर फिफ्थ वाले में आर नहीं आएगा क्या? किधर पाई आर स्क्वायर? ठीक है भाई, फिफ्थ वाला निकालना है। फोर्थ सबका आ गया था ना गाइस? फोर्थ पे कोई डाउट नहीं है तो फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यूब पूछा है। ओके फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यूब, हाउ विल यू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यूब जो जाएगा एफ। ओ इसको डायरेक्टली कर लेते ना यार, विस्कस फोर्स निकाल लो। यस पी इनटू पाई आर स्क्वायर, पी2 माइनस पी1 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पी आर स्क्वायर ना, ओ पी इनटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? V naught, four eta L. कुछ wrong है क्या? नहीं P2, फिर आपने क्या किया? नहीं नहीं देखो एक मिनट, देखो ये हमने क्या किया, ये viscous force is viscous force क्या होगा? P2 minus P1 into area, is this okay? Yes sir. तो P2 minus P1 को P लिखा, into area को लिखा pi r square, ठीक है? Okay. और आपने फिर pressure substitute कर दिया? फिर यहाँ पर ये तो आ गया भाई पाई पी आर स्क्वायर, और ये तो बन गया पी आर स्क्वायर पाई भी है। चलो हाँ ठीक है नील, इज दिस ओके? यस हाँ यस यार विल, हाँ पी वहां पर डेल्टा पी है। यस ओके सर। नील गॉट ना? हाँ सर क्या बोल रहे हैं? सब आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर मैं तो सेकंड पे अटक गया सर, मेरे को मिला ही नहीं आंसर। अरे सेकंड में सर आई हैव अ डाउट सर, डज वी नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम सर? बिकॉज़ इन दिस क्वेश्चन दे आर एम्फसाइजिंग ऑन इट अ लॉट, सो डज वी नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम एज सच? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार। सर इट्स जस्ट अ क्वेश्चन राइट? यस 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 यस। अरे ये नील उसमें आ जाएगा ना, देखो वेलोसिटी वाला फार्मूला है ना। हां सो मैं सब्स्टिट्यूट करना v नॉट p r स्क्वायर अपॉन 4 eta l ना, तो सर मैंने r को r में तो सब्स्टिट्यूट किया, वही करना था ना इट्स में स्मॉल r इज इक्वल टू r / 2 डालना था dv / dh नहीं सेकंड वाले में ना, जस्ट स्मॉल r इक्वल टू r / 2 r इक्वल टू r कैपिटल r / 2 रखो तो आना चाहिए आंसर। R equal to R by 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें तो देखो ये कितना जाएगा, ये 3 V naught by 4 आ गया। हाँ हाँ और V naught की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। हाँ हाँ वो मैंने गलत फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट, मेरे को डाउट आया मेरे को, वो मैंने V naught में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके ओके चलो आगे बढ़े। यस 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 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हो जाएगा क्या पूरा? देखते रुको ना, रुको रुको अब जो है गाइस नेक्स्ट वन। हां तो नाउ लेट अस ड्रॉ एनालॉजी। जैसे हमने ड्रॉ किया एनालॉजी, हमने हां हीट ट्रांसफर में किया था, यहां पर कर रहे हैं, फिर यहां पे भी एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। चलो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एंड यहाँ पर जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ या वॉल्यूम रेट ऑफ विस्कस लिक्विड फ्लो, विस्कस लिक्विड फ्लो। तो यहाँ पर रजिस्टर के लिए, जैसे रजिस्टर में
ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर में क्या होता है, एक रेजिस्टर यू नीड टू मेंटेन पोटेंशियल का डिफरेंस, एक साइड हायर पोटेंशियल एक साइड लोअर पोटेंशियल, आर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से क्या जाता है वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की जगह रख लो भाई डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, आर यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और डी क्यू बाई डी इज रेट ऑफ चार्ज दो। वैसे यहां पर अगर आपको जो है सपोज यहां पर आपको सपोज ये विस्कस फ्लूइड फ्लो कराना है, चलो ठीक है, विस्कस फ्लूइड फ्लो कराने के लिए जो है एक साइड प्रेशर P2, P1, ठीक है, लिक्विड जो है फ्लो हो रहा हुआ, L लेंथ, इसका रेडियस कुछ R नॉट, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का फॉर्मूला आ गया था भाई हमारे पास, क्या आ गया था, Q इज इक्वल टू पाई डेल्टा P R टू पावर 4 अपॉन A थीटा है, ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8 थीटा L अपॉन पाई R0 टू पावर 4, और ये क्या है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डी वॉल्यूम बाय डीटी, डी वॉल्यूम बाय डीटी, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डी वॉल्यूम बाय डीटी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड, और ये साथ में आ गया 8 ईटा एल पाई आर नॉट टू पावर 4, तो इसको हम बोल सकते हैं भाई, ठीक है, विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कस इसी फॉर्म में आ गया, विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ एल, length L and radius R naught, ठीक है, अब जो है जैसे गाइस फिर उसमें अब हाँ अरेंजमेंट भी कर सकते हैं भाई, सो अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, पहला सीरीज में, सीरीज में कैसे किसको बोलेंगे जब एंड टू एंड कनेक्टेड, ये वाला एंड टू एंड कनेक्टेड, तो ये ठीक है L1, L2, रेडियस R1, R2, सो R विस्कस इक्विवेलेंट, सो R विस्कस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R विस्कस 1 प्लस R विस्कस 2 एंड सो ऑन, और विस्कस रेजिस्टेंस ये डिराइव किया हमने 8 ईटा L अपॉन पाई R टू पावर 4, 8 eta L1 upon pi R1 to power 4, 8 eta L2 pi R2 to the power 4, ठीक है, फिर ये तो सीरीज का हो गया, अगर पैरेलल में करना चाहते हो ठीक है पैरेलल का भी कर लेते हैं, पैरेलल के लिए पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल्स का डिफरेंस मस्ट बी सेम, तो पोटेंशियल का डिफरेंस मस्ट बी सेम, यहां पे P2 यहां पे P1, P2, P1, P2, P1, अब यहां पर क्या जाएगा इसके लिए सेम 1 by R viscous equivalent is equal to 1 by R viscous 1 plus 1 by R viscous 2, और R viscous 1, R viscous 2 तो ठीक है pi, ये वाला फॉर्मूला R viscous is this formula jo jayega ye wala a theta l upon pi r to power 4, okay guys to ye wala ha unmute sir, yes. This was basically pipes in parallel and series, right? Yes okay sir, so can you scroll down a little? Oh yes thank you sir.
So can you show next page? No, sir. Wait here. सर वो सीरीज वाला पेज दिखाएंगे सीरीज यस नेक्स्ट पेज नेक्स्ट ओके सर यहाँ पे आर वो कांस्टेंट है ना आर जो है विस्कस रेजिस्टेंस अरे ये रेडियस एक एक का आर वन एक का आर टू विच वन यू आर आस्किंग कैपिटल कैपिटल आर विस्कस इक्विवेलेंट विस्कस रेजिस्टेंस यस इक्विवेलेंट यस ओके सर कैन यू शो द नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट पेज तो वेट सर वेट वन मिनट ऑलमोस्ट सर ऑलमोस्ट जस्ट वन मिनट और तो मतलब लाइक इसका लाइक रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कैसे पड़ता है लाइक इसका लाइक जैसे लेंथ बढ़ाओगे तो क्या फर्क पाएगा सर लीनियर वेरिएशन यू कैन शो द नेक्स्ट पेज लेंथ का जैसे लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा यस और रेडियस कम करोगे तो 1 by r to power 4 वाला फॉर्म हो गया ओके सर समझा थैंक यू सो इसे बुकलेट में कैपिलरीज इन सीरीज एंड कैपिलरीज इन पैरेलल क्यों लिखा है ट्यूब्स का उन्होंने मेंशन करना चाहते हैं यही वाला ओके क्या सर नहीं नहीं वो बुकलेट में लोगों ने जो है ऐसी इसको ट्यूब्स करके ऐसा लिखना था तो मतलब ये ट्यूब्स के लिए भी चलेगा ना कॉज सिलेंड्रिकली होना चाहिए सिलेंड्रिकली पॉइसन्स लॉ सिलेंड्रिकली ठीक है ऐसा सब कैपिलरी तो है सर उस कैपिलरी पतला होता है ट्यूब बड़ा होता है कैपिलरी इज आल्सो लाइक अ सिलेंड्रिकल पाइप ना हां वही सर जो पतला पाइप है मोटा पाइप और कुछ फर्क नहीं So next is guys Reynolds number RE R subscript and this is given by Reynolds number is rho P D upon eta. इससे calculate होता है Reynolds number जो है यहाँ से calculate होता है रो क्या है रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप वी जो है स्पीड ऑफ द फ्लूइड बी जो है डायमीटर बी इज डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप
cylindrical pipe in which fluid is flowing. Eta is coefficient of viscosity. Viscosity of fluid, of flowing fluid. Eta is the coefficient of viscosity of flowing fluid. अब गाइस पहले जो है जैसे कोई सा भी पाइप है हाँ तो एक पाइप में जो है आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा ऑब्वियसली उस पाइप में कौन सा फ्लूइड फ्लो रहा है फ्लूइड जो फ्लो रहा है उसकी स्पीड क्या है डायमीटर ऑफ पाइप क्या है ईटा क्या है तो वंस यू गेट दिस इंफॉर्मेशन अब ये जो है इफ यू कैलकुलेट दिस वन अब इसका डायमेंशन नहीं हुआ तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी यू कैन चेक एंड वेरीफाई सबके डायमेंशन रखो रो का वेलोसिटी स्पीड का एल टी माइनस वन डायमीटर लेंथ ईटा का भी पता है हमें सो इट्स बेसिकली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी सो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसका यूज व्हाई डू वी कैलकुलेट इसका यूज किया जाता है जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है दे यूज टू कैटेगराइज दिस द फ्लो ऑफ द फ्लूइड तो फ्लो ऑफ द फ्लूइड को कैटेगराइज करने के लिए जो है दिया जाता है और गाइस इसमें जो वैल्यूज गिवन है ठीक है कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका वैल्यू मैंने जो है एक ग्रुप में जो एक मैसेज किया ग्रुप में एक एच सी वर्मा का है फ्रॉम एच सी वर्मा तो फ्रॉम एच सी वर्मा पेज 293 पेज 292 ठीक है उसमें से वहां पे मैंने मैसेज किया है वहां से रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ठीक है तो स्टडी फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर ठीक है इफ रेनॉल्ड्स नंबर वो दिया रेनॉल्ड्स नंबर एंड की बेस इन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फ्लो इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 तो फ्लो इज स्टेडी ठीक है अब जो है इसमें इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000 वहां पे जैसा जो डेटा दिया हुआ है 3000 अब ये फ्लो जो है टर्बुलेंट टर्बुलेंट फ्लो रैंडमली किधर उधर इधर कहीं भी भाग रहे हैं फ्लूइड के पार्टिकल स्टेडी फ्लो याद है अपने एक के पीछे एक स्मूथली भाग रहे हैं अब जो है इसमें अब रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 लेस देन 3000 में ठीक है यहां पर उनमें जो है फ्लूइड फ्लो इज अनस्टेबल कुछ भी हो सकता है फ्लो इज अनस्टेबल कैन बी एनी कुछ भी हो सकता है फिर हमें तो ये याद रखना है स्टेडी फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू less than 2000 okay and what is the formula Reynolds number ka rho v d by eta rho is the density of the fluid v is the speed in the cylindrical pipe d is the diameter of the pipe or eta is the coefficient of viscosity okay huh? so jaise jaise higher iske liye jo hai value iske liye value kya Reynolds number ki value less than 2000 steady flow 3000 se zyada hua to turbulent flow और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा इस डेटा से आपको दिया रहेगा रो वी डी बाय नीटा सब दिया रहेगा जो फ्लूइड फ्लो है रो वी और डी और नीटा तो उससे के बाद फिर ऐसे कैलकुलेट करोगे अब इसमें तो जो है अनस्टेबल अनस्टेबल मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें ऐसा तो हमें ये याद रखना है सो ओके गाइस यस स्टूडेंट्स हां प्लीज कॉपी दिस वन टर्बुलेंट फ्लो मतलब बेसिकली जैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन में कोई भी स्ट्रीमलाइन का एक पार्टिकल लिया तो उसका टाइम टू टाइम वेलोसिटी कुछ भी बदलता रहेगा ना नहीं स्टेडी फ्लो में हम बोलते हैं ना क्या जो भी एक पॉइंट मार्क किया तो एक पॉइंट वहां से जो भी ट्रेन गुजरेगी उस ट्रेन का डायरेक्शन एंड स्पीड फिक्स्ड होगा राइट यस तो इसमें फिक्स नहीं होगा ना हर बार चेंज होता रहेगा टर्बुलेंट में हां चेंज होता रहेगा उधर ओके सर सर हम लोग को यही वैल्यूज कंसीडर करने का रेनॉल्ड्स नंबर के बिकॉज़ बुकलेट में 5000 दिया हां सर बुकलेट में 5000 अरे यार टर्बुलेंट फ्लो के लिए और
स्टडी के लिए कुछ नहीं दिया स्टडी के लिए कुछ नहीं दिया बस लो नंबर्स 5000 हां सर प्रो ने बोला कि हां सर 5000 के नीचे रहेगा तो कुछ नहीं नहीं यही वाला देते हैं लैमिनार फ्लो रहेगा ऐसा बोल रहे हैं नहीं मतलब बस ऐसा लिखा है 5000 के ऊपर टर्बुलेंट होगा लैमिनार के लिए लिखा नहीं है अरे नहीं रीड द सेकंड सर लैमिनार फ्लो और स्टडी फ्लो में फर्क होता है ना रास्ते बने हुए है ना स्टडी इंडिकेट करता है कि जो भी पार्टिकल उस पॉइंट से गुजरेगा उसकी जो है वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन जो है सेम होगी वो स्टडी को स्टडी का इंडिकेटर है ठीक है ना सर तो बुक में वैल्यू दिया हुआ गलत है ना नहीं नहीं ये अपन एचसीडी का फॉलो करते हैं ना ये सारा स्टैंडर्ड अच्छा सर एक बार नेक्स्ट पेज प्लीज नेक्स्ट वाला ओके तो यहां पे जो वी वैल्यू डालना है कौन सा वैल्यू डालना है मतलब कौन से पॉइंट का इसमें जो लेते हैं नहीं स्पीड जो है जो मतलब तुम हो रहे हो कि अगर रेडियल फ्लो हो गया तो अंदर सर सेंट्रल फ्लो सेंट्रल स्पीड मेन स्पीड लेंगे मतलब जो मैक्सिमम स्पीड होती है यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि हाँ मतलब ये उसके साथ वेरियंस नहीं है हाँ ऑलमोस्ट सेम ऐसा मान के लेते हैं तो वे इसमें कैसे मतलब डालेंगे फिर जब वेरी करता है वो लोग डायरेक्टली नहीं नहीं उसमें वो लोग एम्बिग्युटी नहीं क्रिएट करेंगे डायरेक्टली दे देंगे उस क्रॉस सेक्शन का स्पीड दे विल अच्छा अच्छा ठीक ओके सर अनस्टेबल फ्लो का मतलब क्या होगा कुछ जगह पे टर्बुलेंट है और कुछ पोर्शन स्टेडी है वैसा अनस्टेबल मतलब हां उसके लिए जो है कुछ हां उसके लिए कुछ कैटेगराइज ही नहीं है मतलब कुछ जगह हां मतलब रैंडम हां कुछ जगह हो सकता है सेम है कुछ जगह ये हां ओके सर सर कैन यू शो लास्ट पेज फॉर वन सेकंड ओके ओके सर अगर टीडब्ल्यूटी में आया तो 5000 लेंगे कि 3000 लेंगे लिमिट स्टडी के लिए नहीं यही वाला ठीक वाला अपन एचसीवी का फॉलो करेंगे ना ओके सर एचसीवी का सर एनसीईआरटी चेक करके देखें इसमें क्या लिखा है हम लोग लोगों ने शायद ना वहां पर रेडियस लिया है फॉर्मूले में शायद ना इसके वो लोग शायद इसको डाया से नहीं रेडियस से निकालते हैं शायद ऐसा कुछ है तो फिर वो जो वैल्यू देंगे वही फॉलो करा है एनसीईआरटी जो ने हां हां लेकिन ये ठीक है ना ये ठीक है इसको एरर नहीं है चलो फिर करते हैं गाइस अब जो है एक लॉ स्टोक्स लॉ बचा हुआ है चलो जल्दी कॉपी करो टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ में आता है यस 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 वो हमें नहीं पढ़ना था ना नहीं नहीं पढ़ना है ना अभी बताता हूं आपको स्टोक्स लॉ पढ़ना है गाइस नहीं सर मतलब रीडिंग के लिए मैं वो नहीं बोला था शायद ओके 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 मैंने बताया नहीं था क्या ओके चलो गाइस स्टोक्स लॉ तो स्टोक्स लॉ जो है इज गिव्स विस्कस फोर्स on a spherical body के लिए spherical body moving inside obviously viscous force viscous liquid and as per the Stokes law viscous force is given by as per Stokes law Viscous force is given by 6 pi eta rv. Eta is coefficient of viscosity of surrounding fluid. Coefficient of viscosity of surrounding fluid medium r is the radius of the spherical object radius of spherical body
and v is the speed of the body at that instant. Instantaneous speed. V is instantaneous speed of body. So it's a varying force. Instantaneous speed of body. ठीक है अब इसका अच्छा एग्जांपल जो है जैसे रेनड्रॉप्स तो भाई रेनड्रॉप्स जो है भाई काफी हाइट पर क्लाउड से वहां से गिर रहे हैं से इफ यू अप्लाई फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ऑन द रेनड्रॉप्स और बीच में कुछ एयर वगैरह नहीं मान रहे हैं तो टू इंटू टेन इंटू हाइट इतने स्पीड के रेनड्रॉप गिरेंगे तो अपना तो सर ही फट जाएगा भाई ठीक है तो इतना स्पीड आ ही नहीं पाता उसके पहले ही जो है क्या हो जाता है देख फिर उसका एनालिसिस करते हैं कैसे सो लेट मी डू दैट एनालिसिस पहले तो ये वाला कॉपी करना है विस्कस फोर्स इज 6 पाई इंटू आर वी सर स्टोक्स लॉ बोल रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ बॉडी लेनी है सर तो फिर क्या instantaneous speed of body by instantaneous speed sir when we speak about instantaneous speed of the body is it the are we considering the body to be a point mass a spherical object ले रहे हैं यहाँ पर spherical तो sir but मतलब फिर उसका velocity of center of mass तो center of mass yes center of mass okay sir तो इंटरेक्ट मतलब वेलोसिटी लेने का ना वो भी yes ठीक है मैं इसको चेंज करता हूँ भाई स्पीड ऑफ जो ये विस्कस फोर्स होगा इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ आएगा सर जैसा पार्ट ओरिएंटेशन राइट साइड का भी वैसे ही है तो पूरा जो है नेट जो है आ जाएगा उसके सेंटर पे अपने पास अपने कोर्स में नहीं है सर सर एक मिनट रुकिए ना इधर और लास्ट पेज में रुकिए ना एक बार ओके सर आप अभी रेनड्रॉप एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे ना यस आई विल कम टू दैट सो नोटेड यस चलो ठीक है तो ठीक है अपन जो है क्या ले लेते हैं से वी हैव एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो वी हैव अ मीडियम सपोज ये एक लिक्विड है लिक्विड मीडियम लॉन्ग ऐसा ट्यूब ये ट्यूब ऐसा और इसमें मान लो विस्कस लिक्विड भरा हुआ है आई गेस गाइस आप लैब में भी करोगे सॉरी हाँ ठीक है लैब में भी ये वाला होता है अब देखो यहाँ पर जो है सपोज एक बॉडी को हमने यहाँ से ड्रॉप किया भाई क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास टी इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो इसी को ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ से ड्रॉप किया यहाँ चलो पानी में अंदर जाने के बाद इसको ड्रॉप लिक्विड के अंदर ले जा लो भाई इसको लिक्विड के अंदर ले गए और ये यहाँ पे ड्रॉप किया यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे एम जी लिक्विड के अंदर आ गया है भाई तो बायंड फोर्स भी आ जाएगा ओके यहाँ वेलोसिटी जीरो है और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी तो मीडियम के रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो तो देर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू मीडियम विस्कस फोर्स इस समय जीरो आ जाएगा ओके कुछ दूर एट एनी टाइम टी देख लेते हैं भाई एट एनी टाइम टी एम जी लगेगा एफ बी लगेगा अब यहाँ पे स्पीड है तो विस्कस फोर्स अपोज करता हुआ फोर्स पीछे की तरफ ठीक है एक्सेलरेशन अब इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स लॉ से क्या जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज द नेट फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम पी माइनस एम पी और एक मिनट हाँ एक मिनट गाइस थोड़ा ओके वन मिनट नेट फोर्स ठीक है गाइस द नेट फोर्स जो है
mg minus bind force minus viscous force. Okay, this is the mass into acceleration. चलो इसका एनालिसिस करना है गाइस. हां ये ऐसा ये सिचुएशन इसका एनालिसिस करना है. तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, काइनेमेटिक्स पार्ट डील करते हैं. सो भाई ये वाला लिख लो यार, इसमें जो आपका आ गया mg ना, तो mg को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और वॉल्यूम लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, और g माइनस बाय एंड फोर्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 4/3 पाई आर क्यूब इंटू g. विस्कस फोर्स भी लिखो 6 पाई ईटा आर वी इंस्टेंटेनियस, उस समय जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम. हाँ मास मास क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और स्पीयर का, स्पीयर पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब एक्सेलरेशन. यार इससे डिवाइड कर देते हैं, इस वाले टर्म से मास से सबको डिवाइड करते हैं. तो ठीक है एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया. तो ये वाला जो है पहले वाले टर्म में ना, यहाँ कॉमन लो, पहले रो एस माइनस रो एल कॉमन लेते हैं और 4/3 पाई आर क्यूब जी, और इसको तो ऐसे रहने दो 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे नीचे लाओ क्या क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब. ओके 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये आ गया. सो एक्सेलरेशन नाउ, सो नाउ एक्सेलरेशन विल बी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब तो हटाओ यहाँ से, तो ये क्या बन गया रो एस माइनस रो एल, रो एस भी है सॉरी रो एस रोएल माइनस रो एस बाय रो एस, रोएल माइनस रो एस बाय रो एस इन टू जी माइनस, ये पाई उड़ा दो ऊपर जाएगा 18 by 4 मतलब 9/2 कर दो यहाँ पर थीटा, आर है नीचे आर स्क्वायर, ओके ओके रो एस आर स्क्वायर, इस रो एस आर स्क्वायर और वी, तो क्या आ गया हमारा ये काम आ रहा है. चलो फिर से लिख लेते हैं उसको. So we got our acceleration as A is equal to rho s minus rho l upon rho s into g minus, rho s minus rho l upon rho s into g minus 9 eta by 2 rho s r square into v. 9 eta by 2 rho s r square into v. यार ये वाला जो है इसको बार बार इसको कैरी करने में टफ हो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से. लेट अस कॉल दिस एज सी वन, लेट अस कॉल दिस एज सी टू. सो हमारा इक्वेशन कैसा हो गया अभी, फिर हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया भाई, a इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू इंटू वी, अभी ठीक दिख रहा है. चलो से सी वन इज 8, सी टू इज 2, से हाँ तो v इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सेलेशन कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 0 रखोगे तो 8 माइनस 0 भाई, ये वाला तो आपका आ गया 8 v. फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, बॉडी नीचे आ रहा है ना, तो वेलोसिटी बॉडी बढ़ेगी, बॉडी नीचे कब आएगा ऑब्वियसली mg जो है बाय एंड फोर्स से ज्यादा है. तो a को 2 रखो, जो है इसमें रखा v को 2 रखा, v को 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, v को 2 रखने पे 8 ये 4 हो गया, 3 रखो एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 और v को 4 रखेंगे तो एक्सेलेरेशन 0. सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर जो है बॉडी की बॉडी का जो है एक्सेलेरेशन कम होते जा रहा है. क्यों भाई, यहाँ से भी न्यूटन्स लॉ से क्लियर दिखता है, mg है बाय एंड फोर्स है, इनिशियली ये तो इससे बड़ा था, अब धीरे धीरे विस्कस फोर्स पिक्चर में आया और विस्कस फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ता जाएगा. तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब देखो यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 हो गया, एक्सेलेरेशन 0 कब होगा भाई, फोर्सेस बैलेंस्ड, ठीक है, तो उस समय जब इनिशियली ये इससे बड़ा था, फिर ये बढ़ बढ़ के जो है उसके जो रिमाइंडर है जितना बड़ा था उसको बैलेंस कर लिया इसमें, ठीक है. जैसे मान लो ये 10 था, ये 2 था 8, अब ये भी बढ़ के जो है 8 हो गया, ये बढ़ बढ़ के जो है इसको फिर बैलेंस कर लिया. तो एक ऐसा इंस्टेंट आ गया, बैलेंस कर लिया है, तो बैलेंस कर लिया तो वो स्टेडी स्टेट है ना, तो आफ्टर दैट, ठीक है,
So that speed, terminal speed क्या होगा? Terminal speed vt. कब आएगा भाई टर्मिनल स्पीड वीटी जो आएगा कब आएगा जब नेट फोर्स जीरो जाएगा नेट फोर्स जीरो या एक्सेलेरेशन जीरो एक ही बात है जब ये बैलेंस हो गया तो बॉडी पे टर्मिनल स्पीड अचीव होगी एक बार टर्मिनल स्पीड अचीव हो गई तो वंस द टर्मिनल स्पीड इज अचीव देन द बॉडी विल कीप ऑन फॉलिंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ठीक है तो वंस दैट टर्मिनल स्पीड इज अचीव्ड then body will keep on falling aur medium bada hai ye to kafi bada sa medium mein bhi terminal speed achieve karne ke baad ye constant speed se girta rahega keep on falling with constant speed known as terminal speed known as terminal speed अब लेट अस कैलकुलेट टर्मिनल स्पीड भाई टर्मिनल स्पीड कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे तो टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे एक्सेलरेशन को जीरो करोगे सी वन माइनस सी टू इंटू वी तो यहां से आपका ये टर्मिनल स्पीड आ गया तो टर्मिनल स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी वन बाई सी टू तो टर्मिनल स्पीड वी टी सी वन कहाँ चला गया सी वन जो है हाँ ये रो एस माइनस रो एल बाई रो एस दिस इज into g is c1 so term rho s minus rho l upon rho s into g is c1 c2 so c2 ki value kya hai c2 ki value is 9 eta upon 2 rho s r square 9 theek hai 9 eta upon see 9 eta upon 2 rho s r square 9 eta upon 2 rho s r square तो यहाँ से ये वाला तो उड़ा दो यहाँ से ये वाला उल्टा हो जाएगा तो 2 by 9 rho s minus rho l surrounding fluid का हाँ into g r square और eta तो यहाँ से क्या मिल गया हमें terminal speed इसके proportional आ गया r square के proportional टर्मिनल स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा आ गया तो सेम वही हो गया भाई रेन ड्रॉप्स का सिचुएशन सी रेन ड्रॉप्स अगर गिर रहे हैं और ये एयर है एयर इज अ फ्लूइड अब इसमें रेन ड्रॉप्स अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होकर गिरे तो यहाँ पे जब ग्राउंड में पहुंचेंगे तो एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट जी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड बढ़ता जाएगा स्पीड कितना ज्यादा से हिट करेगा तो क्या होता है रेन ड्रॉप्स एयर की वजह से पहले ही यहाँ पर कहीं बीच में दे अचीव देयर उन पे नेट फोर्स जीरो जाता है नेट फोर्स जीरो हो गया कहीं बीच में बैलेंस हो गए तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिए आफ्टर दे अचीव टर्मिनल वेलोसिटी दे कीप ऑन फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड ठीक है तो बीच में पहले ही वो लोग टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेते हैं अब इसमें जो है ठीक है ये तो ये हो गया अब इसमें इस टाइप के सम्स भी अपन बंद कर सकते हैं जैसे से भाई सपोज आपके पास जो है एक ड्रॉप रेडियस आर का ठीक है इसकी कुछ टर्मिनल स्पीड आती है मान लो एक मीडियम में तो वो टर्मिनल स्पीड वी नॉट है फिर क्या किया आपने ऐसे वाले दो ड्रॉप्स को मर्ज किया एक नया ऐसे वाले दो ड्रॉप्स को मर्ज किया एक नया ड्रॉप बनाया रेडियस ऑब्वियसली चेंज होगा कैपिटल आर फिर कैसे निकालेंगे नया टर्मिनल स्पीड तो भाई टर्मिनल स्पीड का क्या है कैसे प्रोपोर्शनलिटी बाकी सब सब टर्म्स एक है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इससे आप डील कर सकते हो ठीक है फिर रेडियस मतलब ये टर्मिनल स्पीड रेडियस का स्क्वायर से आप मतलब अगर इसका स्मॉल आर का टर्मिनल स्पीड ये है दो स्पीयर्स को कंबाइन कर दिया एक नया स्पीयर बना रेडियस उसका कुछ आएगा इसके टर्म्स में उसका टर्मिनल स्पीड क्या होगा या फिर यहाँ पर जो है जैसे रेट ऑफ वर्क डन अगर देखते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स रेट ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स भाई रेट ऑफ वर्क डन बाय विस्कस फोर्स भी लिख सकते हो क्या हो जाएगा रेट ऑफ वर्क डन पावर एफ इंटू वी विस्कस फोर्स इंटू वी
अब विस्कस फोर्स जो है कितना हो गया 6 pi eta r v into v, 6 pi eta. अब r ठीक है, अब ये जो है खुद r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम्स r स्क्वायर, ये वाला सम कांस्टेंट टाइम्स r स्क्वायर, तो इस टाइप के टर्म्स भी बन सकते हैं कितने, तो रेट ऑफ बर्डन अगर r का प्रोपोर्शनलिटी देखा जाए तो r टू पावर 5 के टर्म्स में चला जाता है, तो ये तो ऐसे एक अलग अलग हो गया है ना. सो ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या आया, v टर्मिनल स्पीड आ गई c1 minus c2 into v. अब जो है उसका हम आगे भी निकाल सकते हैं, काइनामेटिक्स पार्ट उसका कर सकते हैं भाई, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया आपका c1 minus c2 into v. सपोज आपको यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, यस, इसका ग्राफ तो वही हो जाएगा, कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पर, अगर ए एंड बी का ग्राफ, ए और बी का ग्राफ इनिशियली जीरो हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो पे सी वन और लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ, वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या आती है c1 by c2. अभी काइनामेटिक्स इसमें करना है तो ठीक है, काइनामेटिक्स इसमें ए को रख दो dv/dt रखो, इसको काइनामेटिक्स पार्ट भी कर सकते हैं इसका c1 minus c2 into v. कैसे डील करेंगे इसका काइनामेटिक्स में जो है, लेट अस राइट दिस एज वेरिएबल सेपरेबल, c1 by ये लिखो dt. अब लगा देते हैं लिमिट्स, ये टाइम वाला साइड, ये वेलोसिटी वाला साइड. भाई हमें पता है व्हेन टाइम इज जीरो इनिशियली, भाई इनिशियल कैसा था, इनिशियली जो है यहाँ पर बॉडी को तो रिलीज किया गया था इक्वल टू जीरो पे वी जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पर व्हेन वी इज जीरो, इक्वल टू जीरो पे वी जीरो रखो भाई, ये वाला वी जीरो रख दिया, एट एनी टाइम टी उसको वी कर लो, इसका इंटीग्रेशन ऐसी आपने पढ़ा है मैथ्स में, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला था बेसिक मैथ्स, ln of ax plus b divided by coefficient of x, what is the coefficient of x, a plus c, तो वैसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln of log of ना, तो log of c1 minus c2v divided by the coefficient of variable, what is the variable, b, उसके coefficient से डिवाइड करोगे minus c2 और square brackets भाई जीरो से भी करो, यहाँ पर t आ जाएगा, फिर इसमें जो है ये कितना हो जाएगा, इस साइड ले चलते हैं तो इसकी वैल्यू जो जाएगी यहाँ पर, इसको इधर ले गए ये वाली वैल्यू हो गई -c2t, ये वाला जो है इस साइड, तो इसको आप ले गए तो इसकी वैल्यू जाएगी वाली -c2t c2. अब इसको इसका लिमिट रख देते हैं, पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ln of c1 minus c2v minus lower limit, v को जीरो रखना है, पहले v को v रखा, पहले तो इसको लेगा इधर, अब v को जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ln of c1 जैसा आएगा, फिर वो यूज कर लो ln of a minus ln of b, तो ln of log of c1 minus c2v upon c1 ये बन जाएगा -c2b, फिर log बेस इधर कर लेते हैं, इसको इस साइड किया आपने, दिस विल बी e टू पावर -c2b. नाउ इसका c1 -c2b अपॉन c1 तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 minus c2 by c1 into b, फिर इसको इधर ले आओ, 1 minus e टू पावर -c2b इज इक्वल टू c, ये आया था यहाँ पर c2 by c1 into b, इसको इधर ट्रांसफर किया, तो उससे v का फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, v का फंक्शन आया c1 by c2, 1 minus e to power minus c2t. तो देखो यहां पर क्या आ गया हमारे पास जो है, c1 by c2, 1 minus e to power minus c2t, guys ये ला रहा है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, c1 by c2 1 minus e to power minus c2t. चलो अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, t इक्वल टू जीरो रखो, t इक्वल टू जीरो रखने पे ये वन और ये वाला जो है जीरो हो गया, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखना ये वाला,
तो ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू वन माइनस टी को इन्फिनिटी रख दिया आपने तो ये ऐसा आ जाएगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है e टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब वन बाई e टू पावर इन्फिनिटी ऐसा कुछ आ जाएगा ये तो गया यहाँ से तो देखो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी किसको मिल रही है सी वन बाई सी टू वॉट इज सी वन बाई सी टू सी वन बाई सी टू वॉज टर्मिनल स्पीड सी सी वन बाई सी टू कहाँ चला गया सी वन बाई सी टू यस टर्मिनल स्पीड दिस इज द टर्मिनल स्पीड सी वन बाई सी टू इज द टर्मिनल स्पीड आ गया ठीक है तो अब इसका ग्राफ इसका भी ग्राफ हम कर सकते हैं चलो भाई ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा ये ऐसा ये हो गया इसका v हो गया अल्टीमेट स्पीड जो है टर्मिनल स्पीड ही अचीव करने वाला है तो वो कब अचीव करेगा इन्फिनिटी पे तो वी टी ये हो गई सी वन बाई सी टू यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो है अल्टीमेटली उसको एसिम्प्टोट ना फाइनली इसी को टच करेगा और इन्फिनिटी पे वो जो है मतलब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा फिर देखो बढ़ने का रेट कम हो जाएगा एक्सेलरेशन कम होता जा रहेगा इसका और ये फाइनली इस एसिम्प्टोट और ये इन्फिनिटी पे उसको टच करेगा ओके गाइस आई विल अनम्यूट Yes. Can you show two pages back, page 17? Sir, terminal speed से आप दिखा सकते हैं। Okay, okay, yes, yes, yes. ये दो examples का point क्या था? जब मैं ठीक से बताया नहीं। किसका किस example का? ना आपने वो combining of drops of a work done by person ऐसा वेबर next class में भी बता सकते हैं। Yes, 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 yes. हाँ, उसमें ये ऐसा था कि अगर मान लो question दिया है कि एक जैसे पानी की बूंदें गिर रही हैं r radius वाली, small r radius वाली तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कुछ आ गया भाई v नॉट से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से हाँ यस सर अब वैसी वाली मैंने 10 बूंदों को मिलाया एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया अब वो पानी में छोड़ दिया भाई तो उसका टर्मिनल स्पीड क्या होगा तो आप उसका नया रेडियस निकाल लोगे यस सर उसका नया रेडियस आ गया तो टर्मिनल स्पीड क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ओके सर ओके सर रेशियो लेके कर लोगे गाइस यू आर अंडरस्टूड एवरीबॉडी यस सर सर आप 16 17 पेजेस बता सर 18 पेज ओके ओके नेक्स्ट पेज भी एक बार नेक्स्ट पेज ही वाला अमोक दिस वन ना सर आपने यस सर तो मतलब इसका कभी टर्मिनल स्पीड कभी अचीव होएगा ही नहीं टर्मिनल मतलब एकदम क्लोज बहुत ही टेंडिंग टू ऑलमोस्ट है टेंडिंग सर सर Yes, हाँ. Sorry, हम लोग air, air के लिए भी कर सकते हैं ना मतलब air में yes, raindrops is example. Raindrops के लिए. No, sir, मैं बोल रहा हूँ, we can consider air as a fluid and consider other objects also, right? Yes, yes, हाँ. Sir, आपने जो rate of work done वाला लिखा है ना उसमें negative sign भी आएगा ना oh, हाँ, हाँ, उल्टा रहेगा yes, yes, yes. Oh, यार हाँ negative. अरे कहाँ चला गया okay, यार उल्टा Sir, yes, huh. Sir, can you explain that first example that two raindrops are combining and then it forms one drop? Oh yes, yes. करते हैं चलो भाई. इसका पहले ये वाला कॉपी कर लिया ना? ये वाला? हाँ yes sir. चलो इसका सामी कर लेते हैं. जैसे मान लो. Just एक doubt है. यहाँ पे इसी पेज पे sir आपने जो rate of work done मतलब power निकाला है वो after achieving the terminal speed yes. Yeah okay sir. After achieving the ये वाला देखो इसके लिए ना मान लो सपोज कोई रेडियस आर का है और उसकी टर्मिनल स्पीड आ गई हम बोल सकते हैं टर्मिनल स्पीड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स आर स्क्वायर जब हाँ अब एक आर रेडियस का रेन ड्रॉप उसका मान लो टर्मिनल स्पीड मिला 10 फिर मैंने क्या किया 10 तो से 10 10 छोटे छोटे ड्रॉप्स को मर्ज कर लिए एक नया बड़ा रेडियस बनाया तो बड़ा रेडियस बनाया तो उसका रेडियस आप निकाल सकते हो फिर इसका टर्मिनल स्पीड निकालना है भाई VT डैश तो आप कैसे निकालोगे VT डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स द न्यू रेडियस आर स्क्वायर ये आर तो निकाल लिया है और छोटे वाले का कितना था से 10 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 10 से c टाइम्स आर स्क्वायर अब
You know the relation between small r and capital R? He understood, no? Yes, sir. तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में पता चल गया, दोनों को डिवाइड करो, सी उड़ जाएगा भाई, अब सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन. अंडरस्टूड ना इसका डाउट था? सो इज द टीचिंग पार्ट ओवर? यस यस यस. ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं. सो कैन वी से दैट विस्कस फोर्स एक्ट लाइक फ्रिक्शन? विस्कस फोर्स, यस, विस्कस फोर्स बेसिकली यस अपोजिट ही है. यस, ओके सर. नेक्स्ट पेज. ओके ओके. So you will send a PDF, right? Yes, yes, this PDF I will send. Sir, I had a doubt in this. Sir, you said viscous force should act like friction, right? Viscous, but friction must oppose all sorts of relative motion between two bodies, right? So even when terminal velocity is achieved, the viscous force will try to oppose it, right? But that would mean the terminal velocity se mera velocity kam hote ja raha hai. But that doesn't happen. So why doesn't happen? नहीं, there is a relative motion, so there is a force, viscous force है ऊपर. Otherwise, viscous force नहीं होगा, the body फिर क्या होगी? Accelerate होना चालू हो जाएगी. हाँ, समझ गया. पर sir, जब terminal velocity आती है, तभी भी relative surfaces के बीच में motion होता है. But it's like the limiting value of friction. तभी MGB है ना? हाँ. Limiting value of friction पहुंच गया and still the object is accelerating because of force. Yes, हाँ. तो जब हाँ उस समय जो है there is a relative motion, तो समय friction act होगा. Yes. Viscous force acts all the time, बस like उसके बाद वो net force zero जाता था, acceleration zero जाता था. Acceleration zero. हाँ, speed increase होना बंद हो जाएगा. Yes, Aryan. हाँ, please ask. हाँ, I got it, sir. Thank you so much. Guys, इसका homework I will mark and send today, हाँ, इसका. तो ये तो last ही था, ठीक है? अब तो सर पूरी booklet खत्म कर देना. Yes, 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 हाँ. Okay. So guys, okay then, हाँ. किसी और का doubt, please ask. Sir, can you see the last page? Last page, okay, okay. Thank you, sir. Uh-huh. It's my Chandrasekhar, you are saying something, please tell me. Chandra, ask sir, turn F dot S hota, apne velocity kaise likha? F into velocity. Oh, no, it's a rate of work done. Rate of work done. मैंने उसको लिखा है क्या? Wrong लिख दिया क्या? एक मिनट, क्या लिखा है? Sir, लिखा है मैंने. Rate of, yes, rate of work done, yes. Sir, at terminal velocity, the rain will form into a perfect spherical ball, right? Oh, at terminal velocity, मतलब नहीं, वो तो spherical drops तो छोटे हैं, तो maintained ही है. मतलब यार उस समय ही क्यों, पहले ही भी ऐसे रहेंगे ना? Net force zero हो जाएगा ना? नहीं, उससे like how you are trying to comment on the shape. So पहले तो drop shaped होगा ना sir? पहले भी नहीं, अब देखो फोर्सेस क्या क्या है हमारे पास. mg है और बाय एंड फोर्स तो हो गया. अब जो है उसका फ्लूइड का फोर्स ना, फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लूइड क्या, जैसे ऐसा सोच रहे ना, बीच में बॉल ऐसे गिरते जा रहा है और साइड में पूरा फ्लूइड है. लाइक जैसे अपन सोच सकते हैं इसमें जो है, सपोज जैसे ये फ्लूइड है, ये वाला है ना, पूरा फ्लूइड जो है यहाँ से फोर्स सब डायरेक्शन में ऑल साइड्स तो फोर्स लगाता चला जाएगा, राइट? सब साइड, यस सर. तो ये सब साइड ऐसा फोर्सेस लगाते चला जाएगा और इन सब का नेट फोर्स जो है वो लोगों ने स्टोक्स उन्होंने दिया है विस्कस फोर्स, यस सर, है ना? तो सो इज द लेक्चर ओवर ना? यस गाइस. हां, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल. हां, बाय सर. यस यस. हां सर, इस ये स्फेरिकल ड्रॉप पे कोई टॉर्क होगा या फिर वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से? ओ, एक्चुअली दिस इज सिमेट्री. तो सिमेट्री है, सब साइड से सेम लग रहा है,
So it won't have any rotation now. Subsides the same here. Yes, sir. Just one doubt. Sir, तो air में friction मतलब rotation कब होता है? मतलब कोई spinning कैसे होती है sir? Ball को spin करते हैं ना sir हम लोग? ओह तो वो जो आप बोलते हो तो वो तो आपने जो force जो लगाया ना वो अलग तो एक side थोड़ा सा tilt करके वो वाला जो example. हाँ okay sir got it. Okay. Sir एक और चीज sir एक general doubt मतलब सर फ्लूइड्स विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स के अलावा और कोई फोर्स भी लगाते हैं कि दीस आर द टू ओनली फोर्सेस और दीस आर द टू एक प्रेशर इंटरेक्शन और एक जो है मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन के लिए यस अच्छा ओके सर सर सो स्फेरिकल बॉडीज विल हैव ओनली लीनियर वेलोसिटी स्फेरिकल ओह बोल रहे हो कि दूसरे बॉडीज में जो है कैसा वेरिएशन स्टोक्स उन्होंने स्फेरिकल के लिए लॉ दिया था बाकी बोल रहे हो रोटेट होगा गिरता गिर सकता है ऐसा बोल रहे हो हां सर तो मतलब हम लोग को सिर्फ लीनियर वेलोसिटी कंसीडर करना अपन को हां सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज ही अपने इसमें है ओके सर थैंक यू गाइस और किसी का डाउट जय नो डाउट सर जय और होमवर्क कब कब तक कंप्लीट करोगे हां सर आई विल डू इट अभी फिर वो तीनों सम्स आ गए थे कि नहीं आए थे सो लाइक आई डिडंट ट्राई इट लेटर लाइक कल आई ट्राइड सो आई विल ट्राई फॉर अगेन आफ्टर रीडिंग द सम्स तो उसके बाद वाला कर सकते थे ऐसा हां मतलब एक पे अटकना नहीं है हमें ज्यादा मतलब ज्यादा हमारा आउटपुट भी होना चाहिए ना कोई टफ आ गो फॉर द नेक्स्ट वन ऐसा है ना हां तरीके से हम जो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट एग्जाम में भी हमें वही टेंपरामेंट रखना है ना फिर तो हां सर ज्यादा इस वीक पूरा रोटेशन ही पढ़ते रह गया कैसा था हाउ वाज द टेस्ट नहीं सर आई डोंट सर इट वाज इजी वेरी रोटेशन ओके ओके ठीक है चलो ये वाला फिर इस वीक ये अच्छे से करो हां सर ओके गाइस हां बाय ऑल थैंक यू कैसे रोटेशन सिर्फ एक ही दिन किया कल और ओह यू आर श्रेयांश यू आर स्टडीइंग ना दिस वन हां सर एक ही दिन किया ना रोटेशन हां सर ये शाम को देरी गई करते थे ठीक है गाइस अच्छे से करो ये वाला सर आप बस ये बता एक बार बता देंगे कौन से पीडीएफ में कितने क्वेश्चन हमें करने हैं वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं अब तो पूरा खत्म ही हो गया अब पूरा ओपन है अच्छा मतलब वो जो इतने पीडीएफ हमें आपने भेजे ना वो सारे हमें अपने से होमवर्क में कर लेने ना यस हां एक बार अटेंड कर थोड़ा सा क्या हो जाएगा अपने पास दो क्लास है ना हां तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा अगर कहीं वाला पहले करोगे तो और गाइस कौन सा किस ऑर्डर में डिस्कस करना चाहते हो पहले मैं चाह रहा था कि बुकलेट और एचसीवी पूरा हो जाए फिर उसके बाद करें तो ठीक रहेगा ठीक है सर बुकलेट एचसीवी करते हैं कॉज एक भी डाउट लेक्चर नहीं हुआ अलग से बुकलेट और एचसीवी यस यस तो फर्स्ट डिस्कशन वी विल डू बुकलेट एंड एचसीवी उसके शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो फिर देन वी कैन गो फॉर द वो वाला शीट सा कि पहले बुकलेट एचसीवी होना चाहिए था सर एक डाउट लेक्चर एक्स्ट्रा भी लगा लीजिए ना सर वेडनेसडे को अगर हो फ्री वेडनेसडे को एक्चुअली मेरे लेक्चर्स हैं आपको जिस दिन कंफर्टेबल हो शाम को एक दिन सर अभी दो लेक्चर है ना काफी होगा देवेश हो रहा है ना पूरा Devesh is doing or not? Devesh? Chalo, okay guys, huh? Bye.